आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मुलायम सिंह यादव उत्तर भारत के बड़े समाजवादी और किसान नेता रहे हैं, एक किसान परिवार से जुड़े हुए रहे हैं, बहुत ही जमीनी स्तर पर जुड़े रहे हुए हैं। सफाई से उन्होंने अपना राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी और देश विदेश में आज उनकी ख्याति है। आज मुलायम सिंह यादव हमारे बीच नहीं है, आज उनका 3 बजे दाह संस्कार किया जाएगा और वो पंचतत्व में विलीन के हो जाएंगे। चलिए आपको सीधे ले चलते हैं सफाई के मेला ग्राउंड में, जहाँ पर मुलायम सिंह के यादव के पार्थिव शरीर को रखा गया है और वहाँ पे जनता के दर्शनों हेतु उनको रखा गया है और 3 बजे उनको पंचतत्व में विलीन कर दिया जाएगा। हमारे संवाददाता गौरव वहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं। तो आपको बता दें कि राजनीतिक जीवन उत्तर प्रदेश में विधायक के रूप में शुरू किया, बहुत कम समय में ही मुलायम सिंह यादव का प्रभाव पूरे उत्तर प्रदेश में नज़र आने लगा था। मुलायम सिंह ने उत्तर प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग समाज का सामाजिक स्तर को ऊपर करने का महत्वपूर्ण कार्य किया था। सामाजिक चेतना के कारण उत्तर प्रदेश की राजनीति में अन्य पिछड़ा वर्ग का महत्वपूर्ण स्थान है। समाजवादी पार्टी नेता राम सेवक यादव के प्रमुख अनुयायी शिष्य थे तथा उन्हीं के आशीर्वाद से मुलायम सिंह यादव 1957 में पहली बार विधानसभा के सदस्य चुने गए और मंत्री बने। 1992 में उन्होंने समाजवादी पार्टी बनाई, वो 3 बार क्रमशः 5 दिसंबर को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, इसके अतिरिक्त वह केंद्र सरकार में रक्षा मंत्री के तौर पर भी काम कर चुके। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के मुख्य कद्दावर नेता के रूप में जाने जाते थे, देश प्रदेश में उनको बहुत ही सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। उत्तर प्रदेश में यादव समाज के सबसे बड़े नेता के रूप में मुलायम सिंह यादव की पहचान थी। उत्तर प्रदेश में सामाजिक सद्भाव को बनाए रखने में मुलायम सिंह के साहसिक योगदान रहा। मुलायम सिंह की पहचान एक धर्मनिरपेक्ष नेता की थी। उत्तर प्रदेश में उनकी पार्टी समाजवादी पार्टी की सबसे बड़ी पार्टी माना जाता था और आज भी प्रदेश में समाजवादी पार्टी 2 नंबर की सबसे बड़ी पार्टी है। उत्तर प्रदेश की सियासी दुनिया में मुलायम सिंह यादव को प्यार से नेताजी कहा जाता था। और ये जो आप हुजूम देख पा रहे हैं सैफई से, ये वही प्यार है जो कार्यकर्ताओं और जनता का नेताजी को मिल रहा है। में समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत मिला था, यही पहली बार था जब उत्तर प्रदेश में सपा अपने बूते सरकार बनाने की स्थिति में थी और नेताजी के पुत्र और सपा के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बसपा का सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार का मुद्दा जोर शोर से उठाया और प्रदेश के सामने विकास का एजेंडा रखा। आपको हम सीधे ये विजुअल सैफई मेला ग्राउंड से दिखा रहे हैं, जहाँ पर मुलायम सिंह यादव के पार्थिव शरीर को लेकर उनके दाह संस्कार के लिए लेके जाया जा रहा है, जहाँ पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और जनता मौजूद है। मुलायम सिंह जिंदाबाद, मुलायम सिंह अमर रहें के नारे लग रहे हैं वहाँ पर। सपा के वरिष्ठ नेता वहाँ पर मौजूद, बड़ा भावुक पल है ये। नेताजी अमर रहें, नेताजी जिंदाबाद के नारे पूरे माहौल में गूंज रहे हैं। आज सैफई क्या पूरे प्रदेश गमगीन है, सबकी आंखें नम हैं। एक तेजस्वी नेता आज हमारे बीच नहीं रहा। नम आंखों से लोग दे रहे हैं नेताजी को श्रद्धांजलि। सही से सीधी तस्वीर आप देख पा रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर, जहाँ पे एक जनता का सैलाब उमड़ा हुआ है नेताजी को आखिरी विदाई देने के लिए। क्या महिलाएं, क्या बच्चे, सभी वहाँ पर मौजूद। पूरा यादव परिवार नेताजी के साथ इस आखिरी
श्रद्धांजलि के लिए वहाँ पर उपस्थित। नेतृत्व ही था जिसने समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में अपनी एक जगह दी और आज सपा प्रदेश की दूसरी पार्टी के रूप में उभर के निकली है। ये नेताजी का ही प्रभुत्व था कि उन्होंने लोगों को अपने से जोड़ के रखा। आज सफाई के इस मेला ग्राउंड में आप देख पा रहे हैं कि लाखों की संख्या में नेताजी के समर्थक और नेताजी के चाहने वाले वहाँ पे मौजूद नेताजी के आखिरी दर्शन के लिए वहाँ पे अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं। पूरे प्रदेश से क्या अलग अलग राज्यों से भी आके लोग नेताजी के इस शोक सभा में इस श्रद्धांजलि में उपस्थित हुए हैं और भावभीनी श्रद्धांजलि नेताजी को अर्पित कर रहे हैं। नेताजी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी विचारधारा ने एक अलग मुकाम बनाया और समाजवादी पार्टी के संरक्षक के रूप में नेताजी हमेशा याद किए जाएंगे। जनता के इतने लोकप्रिय नेता के रूप में आज नेताजी माने जाते हैं, उन्हें प्रेम दिया जाता है और उसका ये साक्षात प्रमाण आप सफाई के इस मेला ग्राउंड में देख पा रहे हैं। बहुत ही ज़मीनी नेता थे नेताजी, बहुत ही मिलनसार व्यक्ति थे, बहुत ही सरल स्वभाव के व्यक्तित्व था उनका। हर किसी से प्रेम से मिलना, हर किसी की कुशल क्षेम पूछना, ये नेताजी के स्वभाव में था। मास्टर की अंतिम विदाई है ये, समाजवाद के एक युग का अंत आप इसे कह सकते हैं। एक तेजस्वी नेतृत्व था नेताजी जो आज हमारे बीच नहीं है। आज नेताजी पंचतत्व में विलीन होंगे और उसके साक्षी बनने के लिए आज इतनी बड़ी संख्या में इतना बड़ा जनसैलाब उनके अंतिम दर्शनों के लिए उमड़ा है। नेताजी के पार्थिव शरीर को एक रथ पे लेके वहाँ पे जाया गया है उनकी अंतिम विदाई की तैयारियाँ चल रही हैं। सफाई से हमारे संवाददाता गौरव भी हमारे साथ हैं जो वहाँ की पल पल की अपडेट पे नज़र बनाए हुए हैं और नेताजी के इस शोक सभा का प्रत्यक्ष दर्शी के रूप में पूरा विवरण दे रहे हैं। गौरव, जैसा कि हम देख पा रहे हैं वहाँ पे नेताजी के पार्थिव शरीर को रथ के माध्यम से ले जाया जा रहा है और वहाँ पे इसमें क्या स्थिति है वहाँ की, हम चाहते हैं कि आप थोड़ा सा तस्वीर को बताइए। उनके प्रत्येक आवास पर रखा गया था, वहाँ पर हजारों की संख्या में भीड़ आई थी और उसके साथ ही साथ मनीष यहाँ पर देखने वाली बात ये भी है कि दर्शन पर रहते कोई तक दर्शन को उनको होते रहे, उसके बाद उनका शरीर पार्थिव शरीर एक यात्रा रथ यात्रा के माध्यम से एक अंतिम यात्रा के माध्यम से यहाँ आया था और उसके बाद यहाँ पर
जो मेला ग्राउंड है, जो मेला ग्राउंड है वहाँ पर रखा हुआ था, और मेला ग्राउंड रखने के बाद लोगों ने वहाँ पर बड़ी संख्या में लोग वहाँ पर कार्यकर्ता आए थे, पदाधिकारी आए थे, विधायक आए थे, सांसद आए थे, दर्शन किए। और बड़े नामों में अगर हम बात करें तो चंद्रबाबू नायडू जो कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री है वो भी यहाँ पर आए थे। वहीं उसके बाद अभी उनका पार्थिव शरीर है नेताजी का, वो यहाँ पर जहाँ पर अंतिम संस्कार होना है, अंत्येष्टि स्थल है, यहाँ पर आया है मेला ग्राउंड यहाँ पर कहा जाता है। और यहाँ पर मैं बताऊँ रथ यात्रा उस अंतिम यात्रा में अगर मैं बात करूँ मनीष, तो यहाँ पर बाबा रामदेव भी अंतिम यात्रा रथ पर है। इसके अलावा अखिलेश यादव उनके सुपुत्र वो भी है, तेजस्वी यादव बिहार के जो डिप्टी सीएम है वो भी मौजूद है, और तमाम बड़े नाम अगर हम बात करें तो सारे रथ पे मौजूद है। निश्चित रूप से यहाँ पर जो जनवरी छवि के नेता थे उनका कहना ऐसा था मनीष कि यहाँ पर सभी लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करने आया, और यहाँ पर जो हुजूम आप देख रहे हैं ये वो कार्यकर्ता है जो उनको हृदय से जाते हैं अपने नेताजी के अंतिम दर्शन के लिए। जब यहाँ पर उनका अंतिम संस्कार की क्रिया होने वाली थोड़ी देर में, यहाँ पर उनको पंचदर्श में विलीन हो गए हैं यहाँ पर नेताजी, और वो यहाँ पर शुरुआत करने जा रहे हैं, और उनका पार्थिव शरीर यहाँ पर जो की मेला ग्राउंड में सुबह 10 बजे 11 बजे वहाँ पर आ गया था, अंतिम दर्शन के रखा गया था। उसके बाद अब एक अंतिम यात्रा वाहन से यहाँ पर आया है, और निश्चित रूप से यहाँ पर अब जो अंतिम क्रिया है वो शुरू होने वाली है मनीष। और यहाँ पर जो माहौल है बिल्कुल गमगीन है, और यहाँ पर जो कार्यकर्ता है वो पूरी तरह शोकाकुल है। हालांकि यहाँ पर जो इंतजाम है वो इंतजाम नाकाफी साबित है, क्योंकि अनुमान चले कि यहाँ पर भीड़ आई थी, जो अंदाजा लगाया था भीड़ इतनी आएगी उससे ज्यादा यहाँ पर भीड़ आई है। और मैं बताऊँ आपको तो दूर 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 से मैदान से देख रहे हैं, कोई घरों के छत पे खड़े हैं, दीवारों पे खड़े हैं, पेड़ों पे खड़े हैं, और अपने अपने नेताजी को यहाँ पर अंतिम विदाई देने के लिए लोग यहाँ पर आए हैं। जैसे व्यवस्था हो रही है अपने नेताजी को यहाँ पर अंतिम विदाई अंतिम श्रद्धांजलि देने आए। जी हाँ, घरों में देख पा रहा हूँ कि ये नेताजी का रुतबा था, ये उन धरती पुत्र का रुतबा था जिसने इतना बड़ा जन सलाब वहाँ पे उपस्थित है नेताजी को श्रद्धांजलि देने के लिए। और जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ लाखों की संख्या में वहाँ पे इस समय कार्यकर्ता और जनता मौजूद है जो नेता जी की आखिरी विदाई की साक्षी बनेगी। आखिरी विदाई की साक्षी सब लोग बनना चाहते हैं, अपने धरती पुत्र मन से मुलायम राजे लोहार की छवि वाले नेता को यहाँ पर लोग श्रद्धांजलि देने आए, श्रद्धा सुमन अर्पित करने आए। और ये हुजूम जो बिल्डिंग पे भी है, छत पर भी है, पेड़ पर भी है, यहाँ आसपास दो तीन जेसीबी खड़ी है, उन पर भी पूरी जेसीबी भरी हुई मनीष, तो स्थिति ये बताती है यहाँ पर कि लोग हैं कितना चाहने हैं। उनकी चाहे थी आम कार्यकर्ता को उससे भी मिलते थे, सबके बीच उनकी छवि थी, हर आदमी उनको अपने परिवार का मुखिया समझता था। और निश्चित रूप से ऐसे या जो योद्धा है, और योद्धा ही कहेंगे, राजनेता कहेंगे, पुत्री की कहेंगे कि 8 बार के विधायक, 4 बार के सांसद, 3 बार मुख्यमंत्री, और 1 बार रक्षा मंत्री की पदभार को संभालने वाले, 55 साल के राजनीतिक करियर का यहाँ पर निर्वाह करने वाले नेताजी का यहाँ पर कल निधन हो गया था, और आज इनकी अंतिम विदाई का यहाँ पर जो शुरुआत चल रही है, और 3 मई के लगभग उनका अंतिम संस्कार शुरू किया जाएगा। जी हाँ गौरव, 5 दशक के राजनीतिक करियर की विरासत आज वो छोड़ के जा रहे हैं, और उम्मीद है कि इस विरासत को आगे अखिलेश यादव भी संभाल के रखेंगे। इतना बड़ा जनसलाह वहाँ पे उपस्थित है, लेकिन इतना शोक है, इतना दुख है लोगों में कि कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई अव्यवस्था जैसी दिख रही हो। बहुत ही संयम के साथ लोग वहाँ पे मौजूद हैं और नितम जी को आखिरी श्रद्धांजलि देने में उपस्थित हैं। किसी प्रकार का कहीं भी कोई अलग सा कोई माहौल नहीं ऐसा लग रहा है, बहुत ही गमगीन माहौल वहाँ पर दिख रहा है, लोगों की आँखें नम दिख रही हैं। और बहुत ही जैसा कि रथ अभी आया है नेताजी के पार्थिव शरीर को लेकर, अब उनको लेके जाया जा रहा है। अव्यवस्था नहीं बोलेंगे, अव्यवस्था से नहीं कहेंगे, क्योंकि ये सब नेताजी के चाहने वाले हैं, और जब चाहने वाले अपने नेता को अंतिम विदाई देने वाले हैं तो वहाँ पर अव्यवस्था की बात नहीं है। पर चूंकि भीड़ इतनी अनुमान से अधिक आई है, इतने लोग अनुमान से अधिक है कि यहाँ पर शासन को उनको नेतृत्व करने में पसीना छूट रहे हैं, तमाम पुलिस बल वहाँ पर मौजूद है, एसपी जी मौजूद है, एसओ जी मौजूद है। उसके बाद जो हम देख रहे हैं कि जो कार्यकर्ताओं का, पदाधिकारियों का, और जो यहाँ पर लोग दूर दूर से आए उनका जो हुजूम है वो संभाले नहीं संभाल रहा, हालांकि सब लोग संयमित है और अपने नेताजी को यहाँ पर अंतिम विदाई देने के लिए आए हैं। जी हाँ गौरव, बड़े भाव अभिव्यक्ति के साथ लोग हाथ जोड़े खड़े हैं, नेताजी के पार्थिव शरीर को देख रहे हैं, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा है वो, और नारे भी वहाँ से लग रहे हैं कि नेताजी अमर रहे जी। तो बिल्कुल मनीष, यहाँ पर नारे लग रहे हैं, और नारे आज नहीं मनीष, ये जब से हम देख रहे हैं जब से उनका निधन हुआ है, उसका जब मैदान तक यहाँ पर चढ़ी अपने प्रत्येक आवास पे, तब से उनके नारे लगातार लग रहे हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ मनीष, जब वो अस्वस्थ थे, मैदान तक भर्ती थे, तब भी हम देख रहे थे लगातार उनके लिए यज्ञ हो रहा था, उनके लिए हवन हो रहा था, और उनके लिए दुआएं हो रही थी। सब लोग चाहते हैं कि नेताजी पूरा सकते लोग ठीक हो गए और जो लोग भी जाए जाए, पर चूंकि यहाँ पर होनी का कुछ और मंजूर था, होनी के मंजूर होने के चलते यहाँ पर निधन हुआ। और 10 अक्टूबर जो तारीख है वो इस बार की गवाह बनी कि यहाँ पर धरती पुत्र मुलायम सिंह जो कि
के लगातार जनता के बीच जाने जाते रहे, जनवादी छवि के नेता रहे, एक बड़े कट के नेता रहे, उनका यहाँ पर देवदान हो गया था और आज उनको अंतिम विदाई देने के लिए यहाँ पर सभी लोग यहाँ पे मौजूद है। सारे अगर हम बात करें तो विभिन्न राज्यों से मीडिया टीम भी यहाँ पर आई हुई है। इसके अलावा जो कार्यकर्ता का जन समूह है वो ये बताता है कि वो किस तरह के नेता थे। गौरव, यहाँ मैं चाह रहा हूँ कि आप थोड़ा सा ये विस्तृत बताने के थोड़ा सा ध्यान दें कि वहाँ पर इस समय एक्चुअली इस समय क्या हो रहा है वहाँ पर। देखिए मनी, वहाँ पर जो पार्थिव शरीर है नेताजी का वो आ चुका है और अब उसको जो व्यवस्था है, जो शरीर रखने के बाद जो लकड़ियां लगाने की जो व्यवस्था है, चंदन की लकड़ी मंगाई गई है, वो चंदन की लकड़ी इस के पार्थिव शरीर पर रखने की जो तैयारी की जा रही है और तैयारी करने के बाद फिर मनी साहब आपको पता है जो हमारे हिंदू संस्कार में व्यवस्था है चलते वो कागजी दी जाती है और निश्चित रूप से उसी की तैयारी चल रही है और कुछ समय में नेताजी पंडित में विलीन हो जाएंगे और जो लोग हैं उनको अंतिम विदाई देने बैठे हैं। और ये मान लीजिए कि ये अंतिम संस्कार के आखिरी जो समय है चल रहा है, क्योंकि 3 बजे का समय जो दिया गया था, बताया गया था कि 3 बजे नेताजी को पंडित में विलीन करने का किया जाएगा, तो निश्चित रूप से तैयारी चल रही है। अब यहाँ पर जो लकड़ियां हैं चंदन की लकड़ियां जो लाई गई है, अब वो उसके साथ जो है पार्थिव शरीर को लगाया जा रहा है और बहुत जल्दी यहाँ पर मुखाग्नि का जो है वो की जाएगी। इतने बड़े जन सैलाब को देखते हुए वहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था के क्या इंतजाम है? तो मैं बताया कि यहाँ पर व्यवस्था नहीं बोलेंगे, हाँ पर भीड़ जरूर से ज्यादा आई है और निश्चित रूप से भीड़ जरूर से ज्यादा आती है तो थोड़ी दिक्कतें होती है, पर यहाँ पर जो लोग हैं जो कार्यकर्ता है सभी संयमित हैं और वो अपने नेताजी को यहाँ अंतिम विदाई देने आए हैं। कोई उनके अंदर कोई ऐसा भी नहीं है कि गुस्सा हो या अगर व्यवस्था है, चूंकि यहाँ पर अगर हम इस ग्राउंड की बात करें थोड़ा सा यहाँ पर पानी भी रहा है, पानी भी लगातार गिरता रहा है, तो तमाम व्यवस्थाओं के बीच ऐसा नहीं है कि कोई भी यहाँ पर असहमत है और पुलिस बल अपनी व्यवस्था में लगा हुआ है और निश्चित रूप से यहाँ पर सभी कार्यकर्ता शांति भाव से अपने नेताजी को यहाँ जी। गौरव, आप हमारे साथ बराबर बने रहिएगा। अब चलते अपने अगले संवाददाता विभांशु के पास। विभांशु भी वहाँ मौजूद हैं और इंतजार कर रहे हैं कि हम उनके पास भी आए। विभांशु, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आज नेताजी के आखिरी दर्शन के लिए एक बड़ा जनसैलाब वहां पे मौजूद है, लाखों की संख्या में लोग वहां मौजूद हैं जो नेताजी को आखिरी अंतिम विदाई देने के लिए वहां उपस्थित हैं। जी बिल्कुल मनीष जी, आपको बता दें कि अभी बात की जाए तो सैफई के मेला मैदान और साथ में जो आसपास की बिल्डिंगें हैं और जो भी खाली खेत मुझे मुंड ही मुंड दिख रहा है, यानी कि लाखों की तादाद में लोग आज नेताजी को अपने नम आंखों से उन्हें विदाई देने आया है। वही मनीष जी आपको बताएं कि कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये एक देश के लिए क्षति है, साथ ही साथ भारतीय लोकतंत्र के लिए क्षति है। आप तस्वीरों में देख रहे होंगे कि नेताजी की अंतिम विदाई के लिए कार्यकर्ता हाथों में लकड़ियां लेके आए हैं चिता सजाने के लिए और उनका साफ तौर पर कहना है कार्यकर्ताओं का कि जो नेताजी के तमाम सिद्धांत थे, जो उनके मौलिक विचार थे, उस पर हम चलकर और समाजवादी पार्टी के जो वसूलों को उन्होंने बनाया है, सिद्धांतों को बनाया है, तो नेताजी हमारे लिए हमेशा अमर रहेंगे और उनकी सोच पर चलकर हम समाजवादी पार्टी को और आगे ले जाएंगे। वहीं आपको बताया मनीष जी कि आप देख रहे हैं तस्वीरों में कि पूरा जो यादव कुनबा है वो एकत्रित होकर कंधे से कंधा मिलाकर और अपने नेताजी को आखिरी विदाई देने के लिए यहाँ एकत्रित है। वहीं आपको बताएं कि नेताजी को राजकीय शोक से भी 3 दिन यहाँ उत्तर प्रदेश में राजकीय शोक का घोषणा किया गया है। साथ ही अगर बात करें तो उन्हें देश के रक्षा मंत्री के तौर पर उन्होंने एक कार्यभार संभाला है और एक बेहतरीन कार्यभार संभाला है, क्योंकि यहाँ अधिकांश लोगों से प्राइम टीवी की टीम ने बात किया तो अगर बात करें तो 10 में से 8 लोगों का कहना था कि नेताजी के अथक प्रयासों से जो शहीदों का शव था वो घर तक पहुंचने लगा। उससे पहले बस शहीदों की टोपी और बेल्ट शहीदों के घर जाती थी, मगर कहीं ना कहीं उनके गांव, उनके क्षेत्र में शहीदों का शव मुलायम सिंह जी के रक्षा मंत्री बनने के बाद ये व्यवस्था शुरू की गई। वही मनीष जी आपको बताएं कि आप तस्वीरों में देख रहे होंगे कि लाखों की संख्या में लोग मुलायम सिंह अमर रहे के नारे लगा रहे हैं और उनका बस यही कहना है कि मुलायम सिंह हमारे लिए हमेशा जीवंत रहेंगे, उनके सिद्धांत पर चलकर हम समाजवादी पार्टी और समाज और सेकुलर सोच को और आगे ले जाएंगे। वहीं अगर बात की जाए तो तत्काल में तो आप देख रहे होंगे कैमरे के माध्यम से कि योग गुरु बाबा रामदेव भी मुलायम सिंह को आखिरी विदाई देने आया है, साथ ही साथ बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव भी
विनायक का आज आखिरी दर्शन करने आए हैं। साथ ही जब बात की जाए तो उनके पुत्र अखिलेश यादव के द्वारा उन्हें मुख अग्नि दी जाएगी। और बात करें तो महज कुछ ही सेकंड के अंदर नियुक्त समय सुनिश्चित है 3 बजे, तो 3 बजे पूरे राजकीय तरीके से कोई रक्षा मंत्री मुख्यमंत्री हो और अंतिम संस्कार किया जाता है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखकर और अंतिम संस्कार का कार्यक्रम आगे चल रहा है। वही आपको बताएं मनीष जी कि आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि सेना की जवान भी यहाँ आए हुए हैं और उनके यहाँ नेताजी को सलामी भी दी जाएगी। क्योंकि कहीं ना कहीं देखें कि नेताजी इसी गांव से साइकिल और देश में अपना अलग झंडा गाड़ा था। साथ ही साथ एक गांव का बेटा मुख्यमंत्री, साथ ही साथ रक्षा मंत्री का जो कार्यभार था वो बहुत ही बेहतरीन और सराहनीय तरीके से निभाए थे नेताजी। और आप तस्वीरों में देख पा रहे हो कि ये जो भीड़ है, ये हुजम है लोगों का, ये साफ तौर से इस चीज को दर्शा रहा है कि नेताजी के तमाम जो कार्य है वो लोगों के जो दिलों में बसते हैं, इसका साफ तौर से एक नतीजा को दिख रहा है कि यहाँ लाखों की संख्या में लोग अपने नेता को नमन को विदाई देने आए हैं। वही अगर बात की जाए तो इसी गांव से जो कुश्ती के चरखा दाव था, कुश्ती का धुबिया पछाड़ था, इन सब गांवों को दंगल में लगाने के बाद और उसके ठीक बाद वो राजनीति में जब आते हैं तो वैसे ही विपक्ष को धुबिया पछाड़ देते हैं। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो 3 बार के मुख्यमंत्री, 7 बार के विधायक और साथ ही साथ 1 बार रक्षा मंत्री का वो पद संभाल चुके हैं और कहीं ना कहीं उनके कामों को आज देश भर में जाना जाता है और आज ये लोग उसे स्मरण कर रहे हैं। वहीं देखा जाए तो कश्मीर से लेकर और कन्याकुमारी तक लोगों की आंखें नम है और साफ तौर पे कहना है कि हमारा नेता हमें छोड़ के जा रहा है, मगर उसकी सोच और जो सिद्धांत जो उसके थे वो हमेशा अमर रहेंगे हमारे लिए। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो आप इस भारी भीड़ में देख रहे होंगे कि तमाम VVIP यहाँ मौजूद है, उसके देखते हुए यहाँ पुलिस का पूरा बंदोबस्त किया गया है और हर एक जगह पे बैरिकेटिंग की गई है। मगर आप बैरिकेटिंग देख सकते हैं कि बैरिकेटिंग को तोड़कर लोगों का प्यार है नेताजी को लेकर कि वो अपने नेता के अंतिम दर्शन को देखने के लिए, अंतिम दर्शन करने के लिए लोग पेड़ों पे चढ़े हैं, छतों पे चढ़े हैं, जो ऊंची इमारतें हैं उसमें सैकड़ों की तादाद में लोग एकत्रित होकर अपने नेता का अंतिम दर्शन करने के लिए यहाँ आए हुए हैं। मनीष जी, साफ तौर से अगर देखें तो कहीं ना कहीं आज देश की एक क्षति है, जहां आपने देखा कि कल देश के प्रधानमंत्री से लेकर और तमाम नेता उन्हें शोक संवेदना दे रहे थे। साथ ही आपको बताएं कि सुरक्षा की दृष्टि से चलते कई ऐसे गणमान्य आज आ नहीं सके हैं, मगर बात की जाए तो तत्काल में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह भी यहाँ आए थे। साथ ही आपको बताएं कि आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू भी यहाँ आए थे। ऐसे तमाम गणमान्य नेता जिनके साथ संसद के अंदर में तमाम देश के मुद्दों पे, तमाम मुद्दों पे मुलायम सिंह जी उनसे विचार विमर्श किया करते थे, उनका प्यार है कि कहीं ना कहीं ये नेता सैकड़ों किलोमीटर दूर से अपने नेता को विदाई देने आए हैं। वही अगर बात की जाए तो आज उत्तर प्रदेश के 75 जिले और साथ ही साथ बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ एवं तमाम जगहों से समाजवादी सोच के लोग और समाजवादी विचारधारा में विश्वास रखने वाले लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। और बात की जाए तो ऐसे तमाम और भी नेता नजर आए, क्योंकि अगर देखें तो मुलायम सिंह जी का जो छवि था वो पक्ष को और विपक्ष को एक साथ लेके चलने वाला था। साथ ही अगर बात की जाए तो जो भारतीय लोकतंत्र है उसकी मिठास कहीं ना कहीं नेताजी के अंदर दिखती थी, क्योंकि वो अपने विरोधियों को दुश्मन बनाकर के साथ काम करने वाले के नाम से भी जाने जाते थे। आपको बताएं कि आज जब श्रद्धांजलि सभा रखी गई, उसमें जो तत्कालीन सत्ताधारी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उसके कई सारे नेता नेताजी से आज उनके अंतिम दर्शन में पुष्प अर्पित किए। साथ ही आपने कल देखा कि भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी आए, साथ ही उनके साथ उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह आए, उसके उनके साथ में अगर देखे तो सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ भी आए थे। साथ ही अगर बात की जाए तो कल पूरी रात जो कार्यकर्ता हैं, जो नेताजी के चाहने वाले हैं, उनका हुजूम नेताजी के जो पैतृक आवास है वहां लगा रहा और समय बीत गया, मगर उनके चाहने वाले
को दर्शन करने का सिलसिला नहीं टूटा। उसके ठीक बाद आप तस्वीरों में देख रहे होंगे कि लाखों की तादाद में लोग एकत्रित होकर आज नेताजी को याद कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो उनकी आंखें नम है। चाहे बच्चा हो या बूढ़ा, चाहे वो महिला हो या पुरुष, हर वर्ग के लोग यहाँ आकर और नेताजी को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और वही समाजवादी नेताओं का कहना है कि हे भगवान, हम अपने मसीहा को आपके पास भेज रहे हैं, ख्याल रखना। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो मुलायम सिंह जी को, जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता है, वो भगवान से तुलना कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं उनके लिए भगवान ही स्वरूप थे मुलायम सिंह, जिसका फल आपको देखने को मिल रहा है। क्योंकि एक इंसान के लिए कहीं ना कहीं लाखों की अगर तादाद में लोग खड़े हो रहे हैं तो उस इंसान का आप वैल्यू, उसका महत्व आप समझ सकते हैं। जी मनीष जी। जी विवांशु, आप सही कह रहे हैं कि नेताजी का वो कद था, वो स्तर था, जो आज आप देख पा रहे हैं। इतना लाखों का हुजूम वहाँ पे इकट्ठा है नेताजी को श्रद्धांजलि देने के लिए। सभी की आंखें नम है और सभी लोग चाहते हैं कि नेताजी अमर रहें और नेताजी को हमेशा वो अपने दिलों में रखेंगे, उन्हें याद करते रहेंगे। विवांशु, इस समय वहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि वहाँ पर उनकी दाह संस्कार के लिए लकड़ियाँ ले जाई जा रही हैं। जी बिल्कुल, मनीष आपको बता दें, जो हिंदू रीति रिवाज होता है उसके मुताबिक अभी नेताजी की चिता सजाई जा रही है, जिसके बाद नेताजी का जो पार्थिव शरीर है उसके रक्त विलीन होंगे, और कहीं ना कहीं जो तमाम रीति रिवाज है और तमाम विधियां हैं उसको पूरी तरह से पालन करते हुए यहाँ पे पूरा जो बंदोबस्त है उसको किया गया है। आप तस्वीरों में देख रहे होंगे कि कार्यकर्ता एक एक लकड़िया अपने हाथों से दूसरे कार्यकर्ता की तरफ बढ़ा रहे थे। तो नेताजी का जो सोच था कि सभी कार्यकर्ताओं को एकजुट रखना, साथ ही उन्होंने एक तमाम ऐसी मिसालें पेश की है कि एकता में बल है, उसका साफ तौर से आप एक जीता जागता उदाहरण नेताजी के मृत्यु के बाद भी देख रहे हैं कि कार्यकर्ता जो एकता है उसको दर्शा रहे हैं, लकड़ियों को भीड़ के माध्यम से पास करके और नेताजी के जो चिता है उसको रोते हुए सजा रहे हैं और कह रहे हैं कि नेताजी जब भी आते थे गांव में तो हर एक बच्चे को उनके नाम को जानते थे। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो यहाँ कार्यकर्ता दूर दराज क्षेत्रों से आया, इटावा और जो तो जो तमाम आस पास है, जो के जिले हैं उसमें साफ तौर से एक शोक की लहर देखने को मिल रही। दुकान बंद है और सभी घरों में एक मातम सा छाया है। कल प्राइम टीवी की टीम ने कुछ ग्रामवासियों से बात किया तो उनका कहना था कि किसी के घर पे आज खाना नहीं बना है और आज हम भोजन नहीं करेंगे क्योंकि नेता हमारे बीच नहीं रहे हैं। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो यहाँ तमाम जो एक ये दुर्गम इलाका है, और साथ ही अगर देखें तो देश पूरे प्रदेश से लोग आए हैं, प्रत्येक जिलों से लोग आए हैं। कुछ व्यक्ति लोग मंदिरों में रात में अपना आश्रय लिए, तो कुछ लोग क्योंकि अगर देखें तो यहाँ पे होटलों की संख्या बहुत कम है और लोगों की संख्या बहुत ज्यादा थी। लोग कुछ बात के नीचे बात करते और पूरे ऊर्जा के साथ आज इस प्रांगण में भारी संख्या में मौजूद है। उदाहरण हाँ जी विवांशु, तो देखा ही जा रहा था जब से 22 अगस्त से नेताजी एडमिट हुए थे तब से जो है प्रदेश के सपा कार्यालय पर भी लोगों ने आके उनका कुशल क्षेम पूछी। उसके बाद विधानसभा अस्पताल में भी जाके कार्यकर्ता उनका कुशल क्षेम पूछने बराबर जा रहे थे, पदाधिकारी जा रहे थे पूरे देश से, पूरे प्रदेश से। और अब जब सफाई से उनका काफिला वहाँ जब विधानसभा अस्पताल से अखिलेश यादव उनके पार्थिव शरीर को लेकर निकले सफाई के लिए, तभी जिस मार्ग से भी वो गुजरे हैं वहाँ पर सपा कार्यकर्ताओं और जनता ने उनके पार्थिव शरीर का अंतिम दर्शन करने के लिए वहाँ पे पुष्प के साथ वो खड़े रहे। साथ में कई जगह एक आध जगह काफिला को रोका भी ताकि वो उनके दर्शन कर सकें, उसके बाद आगे बढ़ें। और आज वहाँ पहुँचते पहुँचते सफाई में हज़ारों की संख्या में लोग वहाँ इकट्ठा हो चुके थे और अपने शोक संवेदना वहाँ पर व्यक्त कर रहे थे। और आज जैसा कि आज देखने में भी आ रहा है कि बड़ी संख्या में वहाँ पर जन सैलाब मौजूद है और अपने नेताजी को अंतिम विदाई दे रहा है। ये स्तर था नेताजी का कि देश का देश प्रदेश हर जगह उनको एक सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। एक प्रगतिशील, एक प्रतिभाशाली व्यक्तित्व के स्वामी थे नेताजी। और आज कहीं ना कहीं सपा संरक्षक के रूप में आज वो समाजवादी पार्टी के साथ मौजूद नहीं होंगे, उनके नेतृत्व के साथ मौजूद नहीं होंगे, उनके निर्देशन उनको नहीं मिल पाएंगे। फिलहाल इस समय विभांशु
इस समय की जो ताज़ा खबर वहाँ पर है, जो आप ताज़ा विजुअल वहाँ पे देख पा रहे हैं, घटनाक्रम देख पा रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि उसका विवरण आप जरूर करिए। जी, आपको बताएं कि अभी अगर बात की जाए तो कार्यकर्ताओं का जोश जो है लंबी थकान के बाद, कई सारे कार्यकर्ता दूर दराज क्या है जो मुलायम सिंह का दूसरा घर कहा जाता है आजमगढ़, वहां से तमाम कार्यकर्ता आए हैं। उत्तर प्रदेश के 75 जिलों से यहां लोग आए हुए हैं और उनका साफ तौर से ऊर्जा से ये लग रहा है कि जो नेताजी का प्यार है वो साफ तौर से उनके चेहरों पर झलक रहा है। नम आंखों से कहीं ना कहीं जो अपने नेता है नेताजी, क्योंकि देखा जाए तो देश के अंदर में दो व्यक्तियों को नेताजी कहा जाता था, एक सुभाष चंद्र बोस जो आजादी के सिपाही थे और दूसरे जो गरीबों के मसीहा थे, नेताजी मुलायम सिंह यादव। तो इन अगर देखें तो देश के अंदर में दो नेताओं के द्वारा तो नाम दिया गया, साथ ही साथ वो धरती से जुड़े हुए व्यक्ति थे, वो जंगल के थे, तो इस वजह से उनको धरती पुत्र भी कहा जाता है। अगर आम से अगर दशकों की दशक को उठा के देखे तो ऐसा कोई नेता नहीं जिसे जनता दिया है, और जो पुराने नेता थे जो तमाम संघर्ष जीकर जनता के लिए लाठी खाकर और एक दिन अपना कहीं ना कहीं सत्ता के शीर्ष पे पहुंचे थे, उसका जीता जागता उदाहरण मुलायम सिंह जी थे। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो मुलायम सिंह वो लगातार आपने किताबों में पढ़ा होगा, राजनीतिक जो विश्लेषक होते हैं उनके द्वारा सुना होगा, अगर लगाया गया था तो मीसा एक्ट के तहत नेताजी की अगुवाई में तमाम नेताओं को एकजुट करके और समता दल बनाई गई, साथ ही साथ कई दलों को एक करके एक नया दल का चुनाव किया गया और उनके इंदिरा गांधी का शासन हुआ था। जैसा कि आप देख पा रहे हैं सैफई मेला ग्राउंड में बड़ी संख्या में जनसैलाब मौजूद है नेताजी को अंतिम विदाई देने के लिए। नेताजी के राजनीतिक जीवन की ओर थोड़ा सा चलते हैं। समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव पिछले 5 दशक से राजनीति में सक्रिय रहे। अपने राजनीतिक गुरु नत्थू सिंह को मैनपुरी में आयोजित एक कुश्ती प्रतियोगिता प्रभावित करने के पश्चात मुलायम सिंह ने नत्थू सिंह के परंपरागत विधानसभा क्षेत्र जसवंत नगर से ही अपना राजनीतिक सफर आरंभ किया था। सफाई की पवित्र मिट्टी से अपनी ताल ठोक के राजनीतिक में आगे बढ़ने वाले मुलायम सिंह यादव आज देश प्रदेश के बहुत ही सम्मानी व्यक्तित्व के तौर पर उभरे थे। मुलायम सिंह यादव जसवंत नगर और फिर इटावा की सरकारी बैंक के निदेशक चुने गए थे। विधायक का चुनाव भी सोशलिस्ट पार्टी और फिर प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से लड़ा था, जिसमें उन्होंने विजय भी प्राप्त की थी। उन्होंने स्कूल के अध्यापन कार्य से भी इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद वो पहली बार मंत्री बनने के लिए 1977 तक इंतज़ार उन्हें करना पड़ा था, जब कांग्रेस विरोधी लहर में उत्तर प्रदेश में भी जनता सरकार बनी थी। तो 1980 में भी कांग्रेस की सरकार में वे राजमंत्री रहे और फिर चौधरी चरण सिंह के लोकदल के अध्यक्ष बने और विधानसभा चुनाव हार भी गए थे। चौधरी चरण सिंह विधान परिषद के मनोनीत करवाया, जहां वे प्रतिपक्ष के नेता के रूप में उन्होंने काम किया। ९६ में मुलायम सिंह यादव 11वीं लोकसभा के लिए मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र से चुने गए और फिर उस समय उन्होंने संयुक्त मोर्चा सरकार बनाई। मुलायम सिंह यादव एक समय ऐसा था जब मुलायम सिंह यादव को पीएम पद का उम्मीदवार के तौर पर भी देखा जाता था। हमारे साथ विमांशु जुड़े हैं। विमांशु, नेताजी का वो स्तर था जब कभी उनका नाम देश के प्रधानमंत्री के तौर पर भी लिया जा रहा था। जी बिल्कुल, मैंने आपको बताया कि एक वक्त था जब नेताजी को प्रधानमंत्री के तौर पर सारे नेता उन्हें प्रमोट कर रहे थे, मगर कारणवश
नेताजी प्रधानमंत्री से बनके चूक गए। और इसमें साफ तौर से आप देख सकते हैं कि नेताजी का जो पद था, साफ तौर से अंदाजा लगा सकते हैं कि उस कांग्रेस साथ ही साथ कहीं ना कहीं तो जो विपक्षी दल थे वो कहीं ना कहीं बजट और तमाम उसके मामलों में जो रहते, मतलब नेताजी की वजह से नेताजी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया जा रहा था, मगर किसी कारणवश नहीं बनाया गया। ऐसे जो विपक्ष के नेता थे जिनके द्वारा विरोध किया गया, और महज दो से तीन मतों से बीच एक चुनाव हुआ, उसमें कुछ ही मतों से नेताजी प्रधानमंत्री बनते चूक गए। वही आपको अभी कुछ ही देर में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के सांसद उनसे मुलायम सिंह जी का एक बेहतर नाता और एक भेंट भी होती रहती थी। तो इस समय के क्षणों के अंदर इस मैदान में मुलायम सिंह की आखिरी विदाई में उन श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। और श्रद्धांजलि अर्पित कर, क्योंकि अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए भी नेताजी नजर आए हैं, और नेताजी राजनीति के अंदर में जो बेहतर काम करने वाले थे, जो बेहतर नेता थे, उसे जरूर बुलाते थे और सलाह देते थे। सिर्फ नेताजी ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ नहीं करते थे। जब गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी थे तो उस समय भी नेताजी उनसे काफ़ी करीबी, उनके मित्रतापूर्ण संबंध थे, जिसमें वो नेताजी की सलाह भी लिया करते थे। और इस मित्रता को आपने कई बार भी देखा भी होगा, जब भी शिष्टाचार मुलाकात नरेंद्र मोदी और नेताजी की होती थी तो बड़ी मिलनसार तरीके से होती थी, बड़े प्रेमपूर्ण व्यवहार उन दोनों के बीच में नज़र आता था। और कहीं ना कहीं मोदी जी ने भी इस बात को कहा है कि उनको एक बड़ी क्षति महसूस हो रही है अपने मित्र के जाने से। जी बिल्कुल, मैंने आपको बताया कि जब 2019 का लोकसभा चुनाव हो रहा था, उस वक्त आपने देखा था कि मुलायम सिंह जी ने साफ तौर से प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की थी और कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी से बेहतर कोई प्रधानमंत्री का उम्मीदवार नहीं है। और जिसके ठीक बाद प्रधानमंत्री मोदी अब फिर से एक बार देश के प्रधानमंत्री चुनते आए, तो पक्ष हो या विपक्ष उन्हें काफी पहचान थी। और जिसका जीता जाता उदाहरण आपने 2019 को देखा, और जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, जो अगर मन बात करें तो अंतिम विदाई देने के लिए तमाम कार्यकर्ता अभी तमाम देखने के लिए तमाम जगह का अपनाया है। तो बात की जाए तो कुछ कार्यकर्ता जेसीबी पे बैठे हैं, तो कुछ कार्यकर्ता जो मोबाइल के टावर होते हैं उस पर दूर से बैठकर और पूरे दृश्य को अपने नेता की अंतिम विदाई को दिखा रहे हैं। आसपास के जो पेड़ है उसके भी कार्यकर्ता, जो समाजवादी पार्टी के चाहने वाले लोग हैं या उनके गांव से जुड़े लोग हैं, वो सभी पेड़ों का भी सहारा लेकर, क्योंकि अगर देखा जाए तो अगर देखे तो एक इंच जगह भी नहीं बची है, क्योंकि पूरे लोगों का यहाँ पूज भी लगा हुआ है। इसके साफ तौर से आप कहीं ना कहीं इस नेता का कद को आप समझ सकते हैं। और बात की जाए तो ऐसे तमाम गणमान्य कल रात से ही नेताजी स्वास्थ्य खराब हुई, तब से देश भर में उनके स्वास्थ्य की बेहतरी को लेकर प्रार्थना किया जा रहा था, चादर चढ़ाया जा रहा था, मगर कहीं ना कहीं वो प्रार्थना शाम में आई और नेताजी हमारे बीच नहीं रहे। मैं आपको बताएं कि उनके देहांत के बाद पूरे देश भर से उनके लिए संदेश आ रहे हैं, ब्लेसिंग्स आ रहे हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए लोग नजर आ रहे हैं। और अगर देखें तो कहीं ना कहीं सुषमा स्वराज और अटल बिहारी वाजपेयी जी के बाद किसी नेता के अगर अंतिम संस्कार में इतनी भीड़ आई है तो मानिए मुलायम सिंह जी है। और तो एक सेक्युलर नेता के तौर पर अपनी एक अलग पहचान इन्होंने बनाई थी। साथ ही अगर देखे तो गांव से निकलकर और लखनऊ से निकलकर दिल्ली तक का इन्होंने सफर किया। और बताया जाता है कि मुलायम सिंह जब जरूर लखनऊ आते थे तो हफ्ते में जरूर एक बार अपने गांव आते थे और अपने घर भोजन करते थे और अपने मित्रों से मिलते थे, जो उनके साथ के सारे लोग थे उनसे मिलते थे। और बात अगर बात करें तो 1967 में नेताजी जो सक्रिय राजनीति थी उसमें आए, उस वक्त वो शिक्षक थे और साथ ही साथ पहलवान थे। उस वक्त अगर बात की जाए तो इस पूरे क्षेत्र में लक्ष्मी सिंह
पुराने नेता है उसका काफी नाम हुआ करता था, तो कहने पर जैसा आप देख पा रहे हैं कि वहां पर सैफई में मेला ग्राउंड में नेताजी के को आखिरी विदाई देने के लिए बड़ी संख्या में जन सैलाब उमड़ा हुआ है और सभी लोग नेताजी को श्रद्धांजलि देने के लिए अपने अपने स्तर पे जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं। कोई फूल लेकर आया है, कुछ वहां से लकड़ियां लेकर आया है, कुछ अंत्येष्टि में चढ़ाने के लिए अपने जो भी श्रद्धापूर्व ला सकते हैं वो लेकर आए हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं कि वो नेताजी के इसमें शरीक हो सकें, उनके दर्शन कर सकें। आपको बता दें जब भी नेताजी सैफई अपने पैतृक गांव जाते थे तो वहां पर उनकी सूचना से ही भारी संख्या में भीड़ लग जाती थी और लोग उनसे कुशलक्षेम पूछना और उनसे नेताजी खुद उनकी कुशलक्षेम पूछते थे, साथ में उनकी क्या समस्याएं हैं वो पूछते थे, उनकी समस्याएं बैठ के विस्तार से सुनते थे और उनकी समस्या को जो निराकरण हो सकता है वो निराकरण करने की पूरी कोशिश करते थे। ये था नेताजी का सरल स्वभाव और सरल स्वभाव से के वजह से ही आज इतनी बड़ी संख्या में जन सैलाब वहाँ पर उपस्थित है नेताजी को श्रद्धांजलि देने के लिए। भांशु आप वहां पे मौजूद हैं और पल पल की तस्वीरें आपके सामने, जैसे कि सूचना हमको यहां से प्राप्त हो रही है कि अभिषेक बच्चन वहां पे उपस्थित होने वाले हैं, वहां आने वाले हैं मुलायम सिंह की अंतिम यात्रा में, वो खुद भी शामिल होने के लिए सैफई पहुंच रहे हैं, इसको लेकर आपके पास क्या जानकारी है? जी मनीष आपको बता कि अगर देखो बच्चन परिवार से नेताजी का एक बेहद खास लगाव था, कहीं ना कहीं मुश्किलों से कोई और नहीं बल्कि नेताजी उनके साथ खड़े नजर आए थे। अगर बात की जाए तो विरोधी हो या पक्ष हो या विपक्ष, अगर अपनी समस्याओं का निदान, कोई एक समय था कि नेताजी सबसे आगे था। आपको बताएं कि ऐसे कई नेता राजनीति, मुलायम सिंह जी ने अमिताभ बच्चन और साथ ही साथ बच्चन और अभिषेक बच्चन से परिवार को अपने परिवार को समाना। साथ ही आपको बता कि हरिवंश लेखक थे, इलाहाबाद से उनका पैतृक आवास था, तो कहीं ना कहीं दोनों के लोग थे और जो उत्तर प्रदेश उसका हमेशा वकालत करते थे। वहीं आपको बताएं कि किस समय के अमिताभ बच्चन का स्वास्थ्य नहीं है, आ नहीं सकते हैं और उनके आज इस अंतिम संस्कार के दूसरे कार्यक्रम में अमिताभ बच्चन के पुत्र अभिषेक बच्चन साथ में जया बच्चन के अंदर नेताजी का अंतिम संस्कार आएंगे। क्योंकि अगर देखा जाए तो एक समय था जब अमिताभ बच्चन तमाम समस्याओं से जूझ रहे थे और हमारे पास जो सूचना आ रही उसके हिसाब से राजनाथ सिंह वहां पे पहुंच चुके हैं और बाबा रामदेव भी वहां मौजूद हैं। हाँ जी आपको बता दें कि देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहाँ आए हुए हैं, साथ ही देश के योग गुरु बाबा रामदेव भी यहाँ आए हैं जिनके अथक प्रयासों से भारत को और कहीं ना कहीं देखा जाए तो मुलायम सिंह जी हर एक तबका हो जी। विवांशु थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे वहां पे समय चल क्या रहा है? आपको बता दें कि वहां पे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और
रामदेव बाबा भी वहाँ मौजूद हैं, साथ में अमिताभ बच्चन जी के भी वहाँ पहुँचने की पूरी खबर मिली है। जी मनीष जी, आपने सही कहा कि किस क्षणों के अंदर अभिनेता जी विवांशु और कहीं है राजनाथ सिंह विपक्ष के हो, मगर नेताजी के साथ उनके संबंध जब जाहिर है और कहीं ना कहीं एक भारतीय जनता और साथ ही देश के जी, अभी अगर बात करें तो पुष्पों की जो पुष्प चढ़ाने की जो रफ्तार है उसमें कहीं रफ्तार कम होते हुए नजर नहीं आ रही है। करके मुख्यमंत्री भूपेश के मुख्यमंत्री अभी जो यात्रा है अगर बात सामान्य पर बचता है आस्था है तो मुख्यमंत्री है वो फिर और को अंतिम विदाई दे रहे हैं और नेताजी और शहीद संस्कृति मिठा जो अनुसार जो उसके द्वारा मुख्य अग्नि दी जा रही है तो आप तस्वीर की अति पूरी तरह जो परंपरा होती है उसको निभाते कुछ ही क्षणों के अंदर नेताजी सत्र को विलीन होंगे। और आपको बताएं कि अगर देखें तो पूरा समाजवादी पार्टी के जो परिवार है जो पूरे तो नेता है तो ये दोनों जो उनके पुत्र है ज्येष्ठ पुत्र अखिलेश यादव और उनसे छोटे प्रतीक यादव मुखाग्नि के लिए वहाँ मौजूद है और हिंदी रीति रिवाज के अनुसार बड़ा पुत्र पिता को मुखाग्नि देता है। और आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो एक शिक्षक के आगे की अपनी राजनीति शुरू करने में भूपेश सिंह बघेल साथ ही मुलायम सिंह भी शिक्षक से और साथ ही पहलवानी से अपनी राजनीति की शुरुआत किए थे। ट्वीट करके जानकारी दी कि नेताजी से वो जब वो दिल्ली आते थे तो नेताजी से वो कई मतलब मुलाकात कर और मुलाकात कर और उनका कुशल खेम साथ ही राजनीति के सहारे के बारे में भी अभी की राजनीति को तमाम गुण होते हैं जो तमाम जनता के सेवा के भाव होते हैं उसको पिताजी से सीखा करते थे। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि भारी भीड़ होने के चलते भारी संख्या में लोग तो मुखाग्नि की जगह बनाई गई है जहां पिता सजाई गई है भारी संख्या में लोग वहाँ मौजूद है। साथ ही साथ जो कहीं तक जो सम्मान दिया जाता है संविधानिक सभी को बैठा है साथ ही मुख्यमंत्री जो साथ ही रक्षा मंत्री रहे हैं तो तमाम जो संविधानिक चीजें होती है यहाँ इंडियन आर्मी के लोग हुए हैं जो इसको सलामी देंगे। साथ ही अगर देखें तो सुरक्षा की दृष्टि से चारों तरफ से पूरे इस प्रांगण को घेरे हुए हैं। वही अगर बात की जाए तो अंदर में जो सिक्योरिटी है और कहीं बात की जाए तो आप देख सकते हैं कार्य
अपने हाथों में सूट पहनाए हैं और वो दूर से ही अपना के ऊपर पुष्ट वर्षा कर रहे हैं। और अगर बात की जाए तो कहीं ना आज पश्चिम जिला और राज्यों में से अधिकांश राज्यों में से लोग आज अंतिम लड़ाई में सम्मिलित होकर नव आंसू सम्मिलित हो गए हैं और साफ तौर से कहीं ना कहीं जो पक्ष है आज एक साथ खड़ा नजर आ रहा है। तो अगर बात की जाए तो इस पर किया है जिसमें आपको बताएं कि तमाम ऐसे कार्यक्रम उसको पूरी तरह से रद्द किया गया है और धीरे धीरे की आस पड़ोस के गांव और अलग अलग से आए हैं और उनके मुख से बस एक ही शब्द निकल रहा है जब कल रात राष्ट्रीय की टीम इतना भारी जन सैलाब यहाँ पर उमड़ा हुआ है सफाई में कि बस एक झलक पाने के लिए नेताजी के लोग उमड़े पड़ रहे हैं। साफ तौर से अगर देखे तो बात की जाए तो धीरे धीरे लगभग जो तमाम लोग हैं जो विभिन्न लगने की जगह है वहाँ मौजूद है उसे हटाया जा रहा है और अब वक्त इतनी चला है कि नेताजी कल करते थे विलीन होंगे। अब आपको बताएं कि यहाँ जो भीड़ है वो एक हर एक तरफ से एक ही चल आ रहा है नेताजी अमर रहे। तो आपने कल देखा कि प्राइम टीवी की टीम नेताजी के पैतृक आवास जहाँ से निकल कर और दिल्ली लखनऊ का सफर किए देश की जो रक्षा मंत्री रहे उस जगह से आपने समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता सिल्की चौधरी के बयानों को सुना उसमें उन्होंने कहा कि नेताजी के देहांत पर लोग कह रहे हैं कि ये युग का अंत है। ये इनकी तरफ से कहा गया कि ये युग का अंत नहीं बल्कि एक नए युग की शुरुआत है। हम नेताजी के जो तमाम सूर्य है जो उनके फिर उसको आगे स्मरण कर और उसी पथ पर चल कर हम अखिलेश यादव जी की अगुवाई में आगे बेहतर काम करेंगे। तो अब मनीष जी देखने वाली बात होगी क्योंकि देखे तो उत्तर प्रदेश के अंदर में 2021 साल के अंत में निकाय चुनाव है वही अगर देखे तो 2024 लोकसभा चुनाव है पहली लोकसभा होगा जब पार्टी के संरक्षक के बगैर समाजवादी पार्टी चुनाव में डालेगी जाए तो अब मुलायम सिंह जी ने अपने पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और तमाम पदाधिकारियों को तमाम दिए हैं जो आने वाले समय में और आने वाले चुनावों के बाद सामने होंगे। हिमांशु सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए अभिषेक बच्चन भी पुष्प चक्र के साथ वहां पर पहुंच चुके हैं। बिल्कुल आप साफ तौर से कैमरे में देख सकते हैं कि महानायक अमिताभ बच्चन के पुत्र अभिषेक बच्चन नेताजी की अंतिम विदाई में सम्मिलित होने के हैं और वो अगर देखें तो पुष्प अर्पित कर नेताजी की बात कर रहे हैं क्योंकि अगर देखें तो नेताजी का कहीं ना कहीं देखे तो नेताजी हेलीकॉप्टर सवार रहते थे तो हेलीकॉप्टर से नीचे देख कर अपने गाँव का और पीने का नाम बताया करते थे और साथ ही साथ कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो अभिषेक बच्चन है वो आप साफ कैमरों में देख सकते हैं कि वो कहीं ना कहीं भावुक नजर आ रहे हैं हाथ जोड़े हुए नेताजी को श्रद्धांजलि दे रहे हैं और आप कैमरों में देख रहे होंगे कि अभिषेक बच्चन हाथ जोड़कर और नेताजी के सामने शीश चुका और नेताजी को अंतिम विदाई दे रहे हैं। वहीं अगर देखा जाए तो
समाजवादी पार्टी से जो बच्चन परिवार है उसका पुराना नाता रहा है। अगर देखें तो मंत्रिमंडल बहुगुणा जो कि उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री रहे उनके खिलाफ अमिताभ बच्चन समाजवादी पार्टी से उम्मीदवार रहे और आपने देखा कि उस चुनाव में कहीं ना कहीं उस चुनाव के बाद अमिताभ बच्चन ने राजनीति से संन्यास लिया और उनकी धर्म पत्नी जया बच्चन राजनीति में आती है और वो लगातार समाजवादी पार्टी की टिकट से राज्यसभा की उम्मीदवार बनती है और जीतती है। और कहीं ना कहीं देखे तो महिलाओं की जो समाज में हिस्सेदारी है उसको लेकर मुलायम सिंह जी लगातार बात किया करते थे। अभी आपने देखा कि अगर देखे तो यहाँ तमाम आप अगर देखे तो राजनीतिक सभा के अंदर में कुछ महिलाओं से बात की, उनका साफ तौर से कहना था कि मुलायम सिंह जी बहुत ही प्यार से कार्यकर्ताओं को बुलाते थे और महिला कार्यकर्ता थे उनको समाज में बेहतर नेतृत्व और बेहतर स्थान दिलाने का काम किया करते थे और हमेशा से जो महिला का भागीदारी था उससे उसकी वकालत करते थे और उसके आगे बढ़ाने का काम किया करते थे। जी मुनीश जी, जैसा कि सफाई मेला ग्राउंड से आप देख पा रहे हैं कि एक बड़ा जनसमूह वहां पे इकट्ठा है मुलायम सिंह को अंतिम विदाई देने के लिए। अभिषेक बच्चन अभी वहां पहुंचे हैं अपनी पुष्प चक्र के साथ मुलायम सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए, साथ में और भी वरिष्ठ नेता वहां पे नजर आ रहे हैं जो मुलायम सिंह की अंतिम विदाई के साक्षी बनेंगे। जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि एनसीपी के प्रमुख शरद पवार भी मुलायम सिंह जी को आखिरी यात्रा जो है उसमें श्रद्धांजलि देने आए हुए हैं और कहीं ना कहीं देखा जाए तो शरद पवार एक भारतीय राजनीति में एक बड़ा चेहरा था, साथ ही साथ मुंबई के अंदर में अगर देखें तो उनका एक बड़ा नाम है। तो मुलायम सिंह के अगर राजनीति में देखें तो उनके साथी रहे हैं तमाम ऐसे जगहों पर, संसद भवन में जो शरद पवार और नेता जी साथ बैठे हुए नजर आते थे और आप साफ कि मुलायम सिंह की अध्यक्षता में एनसीपी प्रमुख शरद पवार सम्मेलन में है और वो नेता जी को अंतिम विदाई दे रहे हैं और कहीं ना कहीं देखे तो जहाँ पक्ष हो या विपक्ष सभी की आंखें नम है, कार्यकर्ता हो या समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हो या मुलायम सिंह की समाजवाद सोच को चाहने वाला या मुलायम सिंह के कामों को बेहतरीन बताने वाला हर एक व्यक्ति की आंखें आज नम है और तस्वीरों में आप साफ तौर से देख रहे होंगे कि पूरे मंच पर अगर देखें तो तमाम वीवीआईपी है जो नेता जी को आखिरी यात्रा में उनको श्रद्धांजलि दे रहा है। वही अगर बात की जाए तो मनीष जी तो तमाम अभी अगर देखें तो जो आने का सिलसिला है वो कल देर शाम जब 1-2 बजे के करीब जब नेता जी का पार्थिव वांशु अनिल अंबानी भी नेता जी के पार्थिव शरीर के दर्शन करने के लिए वहां पे पहुंचे हैं, अंतिम विदाई देने के लिए वहां पहुंचे हैं। शरद पवार और सुप्रिया भी वहां पहुंची हैं। जी आपको बताएं कि तेजस्वी यादव भी वहां पे उपस्थित हुए हैं। आज पूरे प्रदेश के आज देश से सभी वरिष्ठ नेता वहां पे पहुंच रहे हैं। जी मनीष जी आपको बता दें कि देश के बड़े उद्योगपतियों में से एक मुकेश अंबानी भी यहाँ आए हुए हैं और बात की जाए तो शरद पवार की पुत्री और एनसीपी की सांसद सुप्रिया सुले भी नेताजी के अंतिम विदाई के कार्यक्रम में सम्मिलित होकर और नम आंखों से नेताजी को विदाई दे रही है। जया बच्चन भी मुलायम सिंह के अंतिम संस्कार में पहुंची हैं। अब जब बच्चन के साथ में तो काफी वरिष्ठ नेता और फिल्मी हस्तियों से जुड़े लोग भी वहां पर नेताजी को आखिरी विदाई देने के लिए पहुंच रहे हैं। जी बिल्कुल, आपको बताया कि जया बच्चन जो कि समाजवादी पार्टी से लंबे अरसों से जुड़ी है और महिलाओं का प्रतिनिधित्व करती है समाजवादी पार्टी के अंदर में और बात करें तो तत्काल में जो समाजवादी पार्टी के टिकट पर राज्यसभा सांसद है वो भी अपने नेता अपने जो कप्तान को आखिरी विदाई देने आई है और कहीं ना कहीं देखा जाए तो आप मैं फिर एक बार जिक्र करना चाहूंगा कि जब बच्चन परिवार मुश्किलों की घड़ी से गुजर रहा था उस वक्त नेताजी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर नजर आए थे, जिसको आप साफ तौर से जो नेताजी का एक परिवार था कि वो उन अपने हर एक व्यक्ति को अपना परिवार का हिस्सा समझते थे और बात की जाए तो मुश्किलों की घड़ी में
कम ही ऐसे नेता देश के अंदर में थे जो साथ खड़े नजर आते थे, उसमें से एक नेता जी थे जिसका जीता जागता उदाहरण इस भीड़ से आप समझ सकते हैं कि जो 1967 में जब देश के पहले प्रधानमंत्री का कार्यकाल खत्म हुआ उसके ठीक बाद नेताजी का कार्यकाल शुरू हुआ, यानी कि 1967 से लगातार नेताजी मुलायम सिंह अजय रहे और अपने राजनीतिक पारियों में वो अलग अलग विधानसभा और अलग अलग लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़े और हमेशा नेताजी को जनता ने निराश नहीं किया और उनको भारी मतों से जिताया। बात किया जाए तो यहाँ अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के 75 जिलों से लोग आए हैं, आजमगढ़ से भी लोग यहाँ अच्छे खासे मात्रा में आए हैं। उनका साफ तौर से कहना है कि नेताजी का दूसरा घर आजमगढ़ हुआ करता था, क्योंकि अगर देखें तो अगर 2014 और 2019 का जब लोकसभा चुनाव हुआ था उस वक्त नेताजी वहीं से सांसद हुआ करते थे। विभांशु, नेताजी की अगर बात होती तो उनके राजनीतिक मित्र और उनके परम सहयोगी के तौर पे अमर सिंह को भूला नहीं जा सकता। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि कहीं ना कहीं अगर देखें तो नेताजी के एक अच्छे दोस्तों में से छोटे भाई के तौर पर अमर सिंह ने एक अलग पहचान बनाई थी। ताकि नेताजी के नौ रत्नों में से एक थे अमर सिंह, मगर बात की जाए तो कुछ कारणवश आखिरी जब इनके जीवन का समय था उस वक्त वे समाजवादी पार्टी को छोड़ और राष्ट्रीय लोक मंच का पार्टी का निर्माण किए, मगर उन्हें सफलता हासिल नहीं हुई। मगर नेताजी उसके बावजूद भी अमर सिंह के साथ कंधे से कंधा मिलाए रखते थे और जब अमर सिंह का देहांत हुआ, वो कोरोना का वक्त था, जब देश के बाहर अमर सिंह का देहांत हुआ था तो नेताजी फूट फूट के रहे थे। कहीं ना कहीं उस दृष्टि से आप समझ सकते हैं कि नेताजी के लिए अगर देखें तो अमर सिंह के लिए क्या वजूद था और क्या, क्योंकि अगर देखें तो तमाम राजनीतिक फैसले हो या फिल्मी जगत के लोगों को राजनीति से जोड़कर या समाजवादी पार्टी का हिस्सा बनाने का काम, तो उसमें से एक अमर सिंह थे जो मुलायम सिंह जी के साथ नजर आते थे। ऐसे कई सारे नेता जो जिनके लक्ष्य कदमों पर चलकर आज मुलायम सिंह जी आज इतना बड़ा नाम बनाया है, अगर बात करें तो उसमें से जयप्रकाश नारायण, बात किया जाए तो कर्पूरी ठाकुर, अगर देखे तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जलेश्वर मिश्र, बात की जाए बड़े लोहिया, ऐसे तमाम नेता जो समाज में एक बराबरी की बात करते थे, जो असली समाजवाद की बात करते थे। क्योंकि अगर देखा जाए तो समाजवाद का मतलब ये होता है कि गरीब और अमीर एक बराबर हो और किसी की राजनीति को करने वाले आखिरी सिपाही आज पंचतत्व में विलीन हो रहे हैं। जी विमांशु, देश की राजनीति हो, प्रदेश की राजनीति हो, नेताजी एक तेजस्वी व्यक्तित्व के व्यक्ति थे। आज उनका प्रेम, उनका सरल स्वभाव आज देखने को हमारे सामने है कि कितनी बड़ी संख्या में लोग उनकी अंतिम विदाई में शामिल हुए हैं। राजनीतिक गलियारों के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है ये, जैसा कि हम देख पा रहे हैं। बहुत ही विशिष्ट व्यक्ति वहां पर आके नेताजी के सम्मान और उनके आखिरी अंतिम विदाई में शामिल होने के लिए शरीक हो रहे हैं। अभी विभांशु वहां पे कितना समय है वहां पर अभी, क्योंकि विजुअल में इतना बड़ा हुजूम है कि समझ में नहीं आ रहा है कि वहां पे अभी क्या चल रहा है। जी आपको बता दें कि अगर बात करें तो पूरी तैयारी हो चुकी है और कार्यकर्ताओं का जो तमाम अगर देखे तो कार्यकर्ता अपने हाथों से पिता को सजाए हैं, अपने हाथों से लकड़ियों को एक एक करके आगे बढ़ा बढ़ा कर और पिता तक पहुंचाए हैं। तो कहीं ना कहीं जो नेताजी का एकता में बल वाला संदेश था उसको साफ तौर से आप देख रहे होंगे टीवी स्क्रीन पे। और आपको बताएं कि बहुत कुछ ही देर के अंदर जो तमाम गणमान्य है वो अभी नेताजी को अंतिम विदाई दे रहे हैं। और बात किया जाए तो कांग्रेस पार्टी के दीपक सिंह अभी नेताजी को अंतिम विदाई दे रहे हैं। कि आप इसे नेता का व्यक्तित्व समझ सकते होंगे कि पिता सक चुकी है, मगर श्रद्धांजलि देने वाले लोगों की जो लाइन है वो खत्म नहीं हो रही है।
अगर बात की जाए तो नेताजी हर एक तबका, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, चाहे वो नौजवान हो चाहे वो किसान हो, सबके लिए खड़े नजर आते थे, जिसका जीता जागता उदाहरण ये वीर है। और आप कहीं ना कहीं ये अपने घरों में बैठकर भी दूर दराज क्षेत्रों में नेताजी की अंतिम विदाई में नम आंखों से उन्हें श्रद्धांजलि अपने घर से दे रहे होंगे और नेताजी के काम को याद कर रहे होंगे। बात किया जाए तो नेताजी ने तमाम ऐसे स्कीम चलाए थे जो किसान, नौजवान, विद्यार्थी, हर एक जो वर्ग है उसके लिए तमाम स्कीम चलाए थे। और बात की जाए तो मुलायम सिंह ने ऐसे तमाम ऐसे काम किए जिसमें कन्या विद्याध्यन से लेकर और तमाम ऐसे स्कीम से लोगों को बेहतरी देने का काम किया। अगर बात की जाए तो किसानों के मुद्दों को लेकर नेताजी हिमांशु, आपको बता दें कि राजनाथ सिंह इस समय नेताजी के पार्थिव शरीर के पास ही मौजूद हैं और उनके पार्थिव शरीर को लेके अब चलने की शुरुआत हो चुकी है, जैसे कि आपको भी वहां से देखने को मिल रहा होगा। जी बिल्कुल, आप बता दें कि जो पूरा जो उनका समाधि स्थल बनाया जाएगा उसके लिए जो जगह चिन्हित की गई है और पूरा बनाया गया है प्रांगण को, जो ये नीला मैदान है उससे आप देख सकते हैं कि जो पूरा समाधि स्थल है वो पूरी तरह से भीड़ से भरा हुआ है। अभी जो है चीज की जो संख्या है उसमें लगातार इजाफा हो रहा है। अगर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी के 111 विधायक और आरएलडी के 7 विधायक यहाँ, यानी की 118 और जो गठबंधन का हिस्सा है वो पूरी तरह से नजर आ रहे हैं। साथ ही अगर बात की जाए तो ऐसे कई सारे नेता, चाहे बात की जाए पक्ष के नेता, आज भारतीय जनता पार्टी के भी आज नेताजी को याद कर टूट टूट कर रोने का वीडियो आपके सामने आया। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो वो किसी दल में रहते हुए अपने नेता को याद कर रहे हैं, अपने राजनीतिक गुरु को याद कर रहे हैं। उसमें से एक एसपी सिंह बघेल जो कि कन्नौज से चुन के आते हैं, वो अपना राजनीतिक गुरु मुलायम सिंह को मानते हैं और भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा रहे हैं। जब उनके स्वास्थ्य में बेहतरीन स्वास्थ्य की कामना कर रहे थे, उसी घड़ी में एसपी सिंह बघेल भी वहां पहुंचे थे और उन्होंने साफ तौर से मीडिया के कैमरों में इस बात को स्वीकारा था कि नेताजी मेरे राजनीतिक गुरु हैं और उन्हीं के बदौलत आज मैं यहां पहुंचा हूं, उन्हीं के जो तमाम नावपेच थे उसको अपना कर आज मैं जनता का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं। तो ऐसे नेताजी थे जो पक्ष हो या विपक्ष लगातार लोगों की वो उनका जो प्रेम था वो लगातार इजाफा ही देखने को मिलता था। और मनीष जी आपको बताएं कि अभी अगर देखें तो जो उनके पूरे गांव के लोग हैं वो अपने घरों में ताला बंद करके, महिला हो या पुरुष, महिलाएं अपने नेताजी के घर पर बैठी हैं और जो पुरुष है वो इस प्रांगण में बैठे हैं। आप तस्वीरों में साफ तौर से समझ रहे होंगे कि जो फूल के बौछार आ रहे हैं वो कार्यकर्ता अपने घर से फूल लेकर आए हैं और अपने नेता पर पुष्प अर्पित कर उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। महज कुछ ही सेकंड के अंदर, कुछ ही देर मिनटों के अंदर नेताजी पंच तत्व में विलीन हो जाएंगे और कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक माँ भारती के सच्चे वीर सपूत का एक यहाँ पे वो पंच तत्व में विलीन होंगे। जी बोलिए जी विवांशु, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, देश की राजनीति हो या प्रदेश की राजनीति हो, मुलायम सिंह का कद जिस स्तर का था वैसे नेता बिरले ही होते हैं। उनको जो सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था, जब भी सत्र चलता था, सत्र में कोई भी माहौल रहता हो, नेताजी का वहाँ भी सम्मान दिखता था और सत्र के बाद भी जब वो बाहर निकलते थे तो बड़े ही मिलनसार व्यक्तित्व के साथ वो सभी से मिलते थे और सभी लोग उनसे भी मिलते थे। ये था उनका सरल स्वभाव। जब भी किसी भी जनसभा को संबोधित करने जाते थे तो वहाँ भी अपने कार्यकर्ताओं को लेकर, अपने पदाधिकारियों से बड़े ही सम्मान के साथ मिलते थे, उनकी क्वेश्चन शेम पूछते थे, उनकी समस्याएं सुनते थे और उनकी समस्याओं का निराकरण भी करते थे। जहाँ शहीदों की बात होती थी, एक समय था कि जब कोई शहीद हो जाता था तो अपने घर तक नहीं आ पाता था। रक्षा मंत्री होने के दौरान नेताजी ने इसकी व्यवस्था करी और लोगों को अपने
शहीद बच्चों से मिलने के लिए उनके पार्थिव शरीर को उनके गृह जनपद तक भेजने की व्यवस्था करी ताकि आखिरी समय लोग उनके दर्शन कर पाए। अध्यापकों के लिए बहुत से उन्होंने योजनाएं निकाली, किसानों के लिए बहुत सी योजनाएं निकाली। अपने कार्यकाल में किसानों को उन्होंने बहुत सी ऋण माफ़ किए, बहुत सी योजनाओं का उनको लाभ दिया। जमीनी नेता थे, किसानों से बहुत दिली तौर पर जुड़े हुए थे। विमांशु, इस समय वहाँ की क्या परिस्थिति है, क्या स्थिति है वहाँ की, क्या वहाँ पर घटनाक्रम हो रहा है, आपके माध्यम से हम चाहेंगे दर्शकों को बताइए। जी, आपको बताएं कि कार्यकर्ताओं के हाथ में मोबाइल है और वो अपने नेता का जो अंतिम दृश्य है उसको कैद कर रहे हैं और कहीं ना कहीं जो याद के झरोखे हैं उसमें एक पन्ना लिखते हुए, पन्ना को सजोते हुए नजर आ रहे हैं। अगर बात की जाए तो उनके गांव के लोग, तमाम जो आसपास के लोग हैं, वो नम आंखों से नेताजी को बधाई दे रहे हैं, माफ करिएगा, श्रद्धांजलि दे रहे हैं। वहीं अगर बात करें तो पूरे मंच के तमाम लोग से उनको उतारा जा रहा है क्योंकि अब समय आ चुका है जब नेताजी को मंच पत्र में विलीन होंगे। और कहीं ना कहीं देखें तो शिवपाल यादव के पुत्र आदित्य यादव भी मंच से नजर आ रहे हैं जो अखिलेश यादव के ठीक बगल में खड़े हैं। आप तस्वीरों में देख रहे होंगे कि दोनों भाई अखिलेश यादव और उनके भाई प्रतीक यादव आपस से बात करते हुए नजर आया है। ऐसा दृश्य कम ही देखने को मिलता है, मगर आप कहीं ना कहीं देखें कि जब मुश्किलें आती हैं तो परिवार एक साथ खड़ा नजर आता है। इसका जीता जागता उदाहरण अभी आप जो समाधि स्थल बनाई जाएगी, जो समाधि के लिए चिन्हित जगह है, वहाँ आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं मनीष जी कि जो तमाम अगर देखें तो एक नेता के बाद इतने नेता अगर बने उसमें कहीं ना कहीं मुलायम सिंह का बड़ा हाथ था क्योंकि वो कार्यकर्ताओं को उठाकर और कार्यकर्ता से उन्हें सत्ता के शीर्ष पर पहुंचाने का काम किया करते थे। और कल आपने सुना कि प्राइम टीवी के जब उनके घर गई प्राइम टीवी की टीम तो कार्यकर्ता ने बताया, एक महिला कार्यकर्ता ने जो कि चित्रकूट से आई थी, उन्होंने कहा कि महिलाओं की भागीदारी को लेकर मुलायम सिंह जी लगातार वकालत करते थे और उन्हीं की देन थी कि मुझे जिला पंचायत अध्यक्ष का जिम्मा मिला क्योंकि उनका साफ तौर से कहना था कि आम तौर पे देखा जाता है कि अगर महिला सीट आती है तो बस एक महिलाओं के नाम को लेकर चुनाव लड़ा जाता है, मगर भागीदारी के नाम पर प्रतिनिधि बनकर उनके पति या उनके राजनीतिक सहयोगी काम किया करते थे और करते हैं। मगर उन्होंने बताया कि मैं नेताजी से खुद अपनी उम्मीदवारी की समर्थन मांगने गई पार्टी के अंदर में रहते हुए और नेताजी ने मेरा समर्थन किया। आप देख सकते हैं कि नेताजी को जो सलामी दी जाती है बंदूक से उसका प्रक्रिया शुरू किया जा रहा है क्योंकि नेताजी अगर देखे देश के रक्षा मंत्री रहे हैं, खुद मुख्यमंत्री रहे हैं, तीन बार के मुख्यमंत्री रहे हैं, तो जो संवैधानिक चीजें हैं वो साफ तौर से आपको जो रीति रिवाज है, जो संवैधानिक रीति रिवाज है वो साफ तौर से आपको नजर आ रही होंगी। जो सलामी दी जा रही है जी, साफ तौर से अगर देखें तो रीति रिवाज के साथ साथ संवैधानिक रीति रिवाज है उसका भी पालन करते हुए और नेताजी को आखिरी सलामी दी जा रही है। अब ये सेना के जवान जो नेताजी के पंच तत्व में विलीन होने से ठीक पहले कहीं ना कहीं देखे तो नेताजी को सलामी देकर और उनका जो कद था उसको जो उनका कद था उसको यहाँ के लोगों को याद दिला रहे हैं। वांशु, यहाँ पे देखने में आ रहा है कि 2 मिनट का मौन शायद रखा गया वहाँ पर, जैसा कि देखने में स्क्रीन पर नजर आ रहा है, और उनको सलामी देने की प्रक्रिया चालू की गई है। जी, मैंने जी आपको बता दें कि आमतौर से जब सलामी दी जाती है तो जो आसपास के लोग होते हैं जो मृत आत्मा के नाम लेकर और उनके लिए मौन रखते हैं, ये प्रक्रिया अब खत्म हो चुकी है जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ क्योंकि भीड़ इतनी है कि एक कहीं ना कहीं सभी जो मीडिया के बंधु हैं उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और इसकी बस वजह लोगों का भीड़ है। और कहीं ना कहीं यहाँ सेफ्टी प्रिकॉशंस को देखते हुए आसपास जैमर लगाए गए हैं
और सभी रिमोट कंट्रोल डिवाइसेस पर पूरी तरह से यहाँ काम नहीं कर रहा है। और आप देख सकते हैं कि पिता के ऊपर जो आखिरी लकड़ी लगाई जा रही है उसे लगाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है और महज पिछले घरों के अंदर वहाँ सलामी दी जा रही है नेताजी को। और ये कोई संवैधानिक परंपरा है कि अगर कोई मुख्यमंत्री देश का रक्षा मंत्री का संवाद होता है तो संवैधानिक विधि विवाद के अनुसार उसे तोपों की सलामी दी जाती है, बंदूकों की सलामी दी जाती है। मगर कहीं ना कहीं अब जमाना बदल चुका है, अब तोपों की जगह बंदूकों ने ले ली है। अब महज कुछ ही देर के अंदर, कुछ ही चंद समयों के अंदर नेताजी पक्ष में विलीन होंगे। उसके ठीक पहले जो ये आप देख रहे होंगे जवान, ये जवान नेताजी की आखिरी विदाई से पहले उन्हें तोपों की सलामी देंगे, यानी कि बंदूक की गोली से सलामी देंगे। उसके ठीक बाद अगर देखें तो ये तमाम पैरा कमांडो भी लगाए गए हैं सुरक्षा की दृष्टि से, जो पूरे जो आसपास का प्रांगण है उसका नजर बनाए हुए हैं। साथ ही अगर बात की जाए तो आसपास अभी देखें तो अस्थायी कैमरे भी लगाए गए हैं, जो कहीं ना कहीं से एक जगह बनाई होगी मॉनिटरिंग के लिए, जहां से पूरे इस प्रांगण का मॉनिटरिंग किया जा रहा होगा। आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि लगभग हजारों की संख्या में लोग मोबाइल फोन निकालकर और अपने नेता का आखिरी विदाई जो है उसको, उस क्षण को कैद करने में लगे हुए हैं। अगर देखिए तो जो पुष्प के चढ़ाने का सिलसिला है वो लगातार जारी है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ अभी आपने देखा कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश सिंह बघेल आए हुए थे, उनका एक साफ छवि के नेता है, इनका साफ तौर पे नेताजी से वो भी मानते हैं और साथ ही कांग्रेस पार्टी के डेलीगेट के तौर पर भी वो यहाँ आए हो सकते हैं। और क्योंकि अगर माना जा रहा था कि कल भारत जोड़ो यात्रा को कुछ क्षणों के लिए रोक कर और राहुल गांधी सैफल आएंगे, साथ में उनकी बहन और उत्तर प्रदेश की चुनाव प्रभारी रही प्रियंका गांधी भी यहाँ आएंगे, और मगर किसी कारणवश वो आ नहीं सके। और आप देख सकते हैं कि धूप और लकड़ी तमाम जो चीजें होती है जो विधि विभाग के मुताबिक वो सभी चीज चिता पे लगाई जा रही है, यानी कि आखिरी विदाई की तैयारी पूरी तरह से हो चुकी है और कुछ ही क्षणों के अंदर देश के नेताजी यानी कि मुलायम सिंह जी हम सब से यानी कि पूरे देशवासियों से विदाई लेंगे। क्योंकि देखा जाए मनीष जी तो इंसान के जो अगर देखे तो हिंदू रीति रिवाज में जो तमाम विधियां होती है उसको पूरी तरह से पालन करते हुए और अब अंतिम जो उनकी विदाई है जो पंच तत्व विलीन करने की प्रक्रिया है वो शुरू की जाएगी। अब आपको बताएं कि अब जब सुबह इनका जो रथ निकला जो जब ये अपने पैर और यहाँ पहुंचे यानी कि मेला मैदान से पहले वो एक शोक सभा रखी थी वहां पहुंचे तो लगभग 20,000 की संख्या में लोग उनके साथ पहुंचे थे। 10 बजे उनका जो पार्थिव शरीर है वो मेला मैदान के लिए निकला और इस दौरान 20,000 की संख्या में गांव के आस पड़ोस के मुलायम सिंह जी के साथी और साथी उनके साथ से पढ़ाई करने वाले लोग भी कुछ जीवित हैं जो इनके साथ निकले हुए थे। और कहीं देखा जाए तो सबकी आंखें नम थी और पूरे शहरी में सन्नाटा सा छाया था और कहीं ना कहीं सभी जो लोग थे वो उनके हर घर जब हमने बात किया तो तमाम लोगों ने बताया कि हमारे घर कल चूल्हा नहीं जला है और कहीं ना कहीं वो नेताजी को अंतिम विदाई देने के लिए आज यहाँ आप भीड़ को देख रहे होंगे कि कितनी भारी संख्या में लोग यहाँ आए हुए हैं। अगर देखा जाए तो अब आप तो देख रहे होंगे कि पिता को मुख्य अग्नि दे दी गई है और आप तस्वीरों में साफ तौर से देख रहे होंगे मनीष जी कि पिता को मुख्य अग्नि दे दी गई है और कुछ समय के ही भीतर उन्हें तोपों की भी सलामी दी जाएगी। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक समाज के बीच से बेहतर काम करने वाला साथ ही समाजवादी का एक सच्चा सिपाही आज हमारे बीच से गुजार रहा है और तमाम यादों को
जो हमारे बीच और तमाम सिद्धांतों को कार्यकर्ताओं के बीच छोड़ के जा रहा है और कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं को उनके वसूल उनके सिद्धांतों से खींचकर आगे की जो राजनीति है वो करनी चाहिए, क्योंकि अगर भारत में अगर देखे तो आज के समय विचारधारा की राजनीति खत्म हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि मुलायम सिंह के जो पार्थिव शरीर है वो पंच तत्व में विलीन की प्रक्रिया शुरू हो गई है और कहीं ना कहीं देखे तो कार्यकर्ता अभी भी नारा लगा रहे हैं और नम आंखों से अपने नेता को अंतिम विदाई दे रहे हैं। आप देख सकते हैं कि सभी जो कार्यकर्ता मौजूद है वो साफ तौर से नेताजी अमर रहे के नारे लगा रहे हैं और उनका बस यही कहना है कि नेताजी हमारे बीच नहीं रहे मगर उनका सोच उनका सिद्धांत हमारे दिलों में हमारे जहन में हमेशा जीवंत रहेगा। वही अगर बात की जाए तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं मुलायम सिंह अमर रहे के नारों के साथ नेताजी को अंतिम मुखाग्नि दी जा चुकी है। पंच तत्व में विलीन होने की उनकी क्रिया शुरू हो चुकी है। मुलायम सिंह जिंदाबाद, मुलायम सिंह अमर रहे के नारे से पूरा वातावरण गुंजायमान है। ये सीधे लाइव आप देख पा रहे हैं सैफई मेला ग्राउंड से, जहां नेताजी को मुखाग्नि दी जा चुकी है और उनकी पंच तत्व में विलीन होने की क्रिया शुरू हो गई। एक अनंत यात्रा पर मुलायम सिंह देख पा रहे हैं भारी संख्या में वहां पे मुलायम सिंह अपने प्रिय नेताजी की श्रद्धांजलि के लिए लोग मौजूद हैं और उनको मुखाग्नि दी जा चुकी है। समाजवाद के इतिहास का एक पन्ना आज का अंत हो गया है। कहीं वो अपने नेता के पिता को एक बार देखकर और उनके सिद्धांतों को याद करना चाहते हैं कि जो नेताजी ने सिखाया है उन्हें कि सबको एक बराबर समझो और गरीब और अमीर में फासला जो कहीं ना कहीं सोशलिस्ट और सेकुलर सोच के नेता है उनका जो एक मोटो है वो साफ तौर से कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। अब देखें तो धरती पुत्र मुलायम अब धरती में समा रहे हैं। जी हाँ विभांशु, आज सबके प्रिय प्रदेश के प्रिय नेताजी आज पंच तत्व में विलीन हो चुके हैं। हजारों की संख्या में वहां पे पहुंचे कार्यकर्ता और जनता आज नेताजी के अंतिम दर्शन की, उनको पंच तत्व में विलीन होने तक उनकी विदाई की। प्रदेश के एक चमकते हुए सूर्य का आज अस्त हुआ है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा, प्रदेश और देश के एक चमकते हुए सितारे का आज कहीं ना कहीं खात्मा हुआ है। मगर ये जो समाजवादी कार्यकर्ता है इनका साफ तौर पे कहना है कि एक नए युग की शुरुआत होगी। मुलायम सिंह के जो तमाम सिद्धांत थे उनके दिए गए वसूल थे उस पर चल कर हम आगे और बेहतर करेंगे। और आप देख सकते हैं कि कार्यकर्ता अपने नेता का अंतिम दर्शन के लिए कैसे एक जो तमाम जो शक्ति नॉर्म्स है उसको तोड़कर और जो नेता है
जो कार्यकर्ता है वो नेताजी के आखिरी दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। मनीष जी, कहीं ना कहीं ये देश के लिए, साथ ही साथ प्रदेश के लिए बहुत बड़ा क्षति है, क्योंकि एक मृद भाषी जो लोकतंत्र की मिठास को कहीं ना कहीं दर्शाते हुए नजर आता था, पक्ष हो या विपक्ष हर एक के साथ नजर आता था, वो अब कल 8:16 पे उनका देहांत हुआ। उसके ठीक बाद 3:00 अगर देखे तो 3:04 वो पंचतत्व में विलीन हो गया। जी मनोज जी, विभांशु, आज प्रदेश की राजनीति का एक विकासशील व्यक्ति, एक तेजस्वी व्यक्ति पंचतत्व में विलीन हो गया है। कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है, समाजवादी विचारधारा के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। इसमें आज वो बहुत ही गमगीन और बहुत ही दुखी होंगे अपने नेताजी के जाने से। नेताजी के सरल स्वभाव के कारण ही लोग उन्हें इतना प्रेम करते थे कि इतना बड़ी संख्या में वहाँ पर इस समय जनसभा मौजूद है। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, अभिषेक बच्चन, आजम खां, बड़े बड़े वरिष्ठ नेता वहाँ पे मौजूद रहे और नेताजी को अंतिम विदाई दी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अपने नेता को अंतिम विदाई देने के बाद अब लोग प्रस्थान करना शुरू हो गए हैं अपने अपने गंतव्य की ओर। नेताजी अमर रहे के नारों के साथ पूरा वातावरण गूंज रहा है वहां का। ये सीधे लाइव तस्वीरें आप सैफई मेला ग्राउंड से देख पा रहे हैं, जहां 5 दशक तक अपनी राजनीतिक परचम लहराने के बाद आज नेताजी पंचतत्व में विलीन हुए। नारों के साथ जनता नेताजी को संबोधित कर रही है। जिसका जलवा कायम है उसका नाम मुलायम है, नारों के साथ आज मुलायम सिंह को आखिरी अंतिम विदाई दी। सैफई से शुरू हुआ सफर आज सैफई पे ही खत्म हो रहा है। सैफई से समाजवादी विचारधारा को लेकर साइकिल पे चले थे मुलायम सिंह, आज सैफई पर ही आज उस विचारधारा का अंत तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं वो दृष्टि, वो मार्गदर्शन आज समाजवादी पार्टी के साथ नहीं रहा, समाजवादी विचारधारा के साथ नहीं रहा। इसका समाजवादी विचार लोगों के लिए बहुत ही बड़ी क्षति है।
आज अनंत यात्रा पे नेताजी को प्राइम टीवी की तरफ से भी शत शत नमन। समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव पिछले 5 दशक से राजनीतिक गलियारों में सक्रिय रहे और देश की प्रगति में अपना योगदान दिया। अपने राजनीतिक गुरु नत्थू सिंह की मैनपुरी में आयोजित एक कुश्ती प्रतियोगिता में प्रभावित करने के पश्चात मुलायम सिंह ने नत्थू सिंह के परंपरागत विधानसभा सीट जसवंत नगर से ही अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की थी। मुलायम सिंह जसवंत नगर और फिर इटावा की सरकारी बैंक के निदेशक भी रह चुके थे। विधायक का चुनाव भी सोशलिस्ट पार्टी और फिर प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से लड़ा था, इसमें उन्होंने विजय भी प्राप्त की थी। उन्होंने स्कूल के अध्यापन कार्य से इस्तीफा दे दिया था। पहली बार मंत्री बनने के लिए मुलायम सिंह यादव को 1977 तक इंतज़ार करना पड़ा था, जब कांग्रेस विरोधी लहर में उत्तर प्रदेश में भी जनता सरकार बनी थी। 1980 में भी कांग्रेस की सरकार में वे राज्य मंत्री रहे और फिर चौधरी चरण सिंह के लोकदल के अध्यक्ष बने और विधानसभा चुनाव हारे। चौधरी चरण सिंह विधानसभा में मनोनीत कराया, जहां वे प्रतिपक्ष के नेता के रूप में भी रहे। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों में ही अपनी मजबूत पैठ रखने वाले मुलायम सिंह यादव अब हमारे बीच नहीं हैं, पंचतत्व में विलीन हो गए हैं। कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारों में उनकी कमी बहुत खलेगी। पर अभी भी उनके समर्थक मुलायम सिंह से प्रेम करने वाले मुलायम सिंह अमर रहे। जिसकी सत्ता कायम है उसका नाम मुलायम है कि नारों के साथ पूरा वातावरण गुंजायमान है। अपने प्रिय नेता की एक छवि पाने के लिए लोग प्रदेश के अलग अलग राज्यों से भी आकर वहां पर रुके हुए थे। जब से उनको खबर मिली कि नेताजी नहीं रहे, तब से उन्होंने नेताजी के पैतृक गांव सैफई में आकर अपना पहुंचना शुरू कर दिया और बड़ी संख्या में भी लोग रात को भी वहां रुके रहे और आज 4 बजे के आसपास उनकी अंतिम विदाई देने के बाद ही अब अपने घर को प्रस्थान करेंगे। पंचतत्व में विलीन होने के बाद भी आज वहाँ पे इस समय समर्थकों का बड़ा जमावड़ा लगा हुआ है। हमारे साथ वहाँ से सैफई से इस समय गौरव मौजूद हैं। गौरव, नेताजी पंचतत्व में विलीन हो चुके हैं और जिसका जलवा कायम है उसका नाम मुलायम है, वहाँ के नारों के साथ नेताजी अमर रहें सुनने में आ रहा है। इस समय वहाँ की क्या स्थिति है, मैं चाहूँगा आप थोड़ा सा विस्तार से बताइए। मनीष, अब मुखाग्नि हो चुकी है और निश्चित रूप से वहां पर जो नारों का सिलसिला था वो चलता रहता रहा। और तमाम तरह के नारे वहां लगाए जाते रहे और वहां पर मुखाग्नि हो चुकी है और अब जो कर्ता का हजूम है वो अपने गंतव्यस्थल पर
आप देख सकते हैं कि प्रदेश की राजनीति में मुलायम सिंह का क्या कद था। कहीं ना कहीं मुलायम सिंह लोगों के दिलों में थे और दिलों में रहेंगे भी। जी मनी बिल्कुल दिलों में थे और दिलों में रहेंगे भी, क्योंकि हमने आपको बताया था कि लोगों के विचारों को जिंदा रखेंगे, अपने बच्चों को विचार देंगे, और 55 साल का राजनीतिक करियर हर किसी का नहीं होता है। बल्कि हुजूम देश से यहाँ पर अलग अलग राज्यों से आए, ये बताता है कि मुलायम सिंह यादव था और कितना लोग उनके प्रशंसक थे। जी गौरव, जैसा ही पता चला था कि वेदांता में मुलायम सिंह का देहांत हो गया है, उनका निधन हो गया है, उसके बाद से ही वहां पर सफाई में जवाबड़ा लगना शुरू हो गया था। जैसा आप वहां पे खुद मौजूद थे, आपने खुद देखा होगा कि रात भर लोग वहां पे उनका इंतजार किया और उनसे एक दर्शन के लिए इंतजार किया और सुबह मुखाग्नि तक वहां पे लोग मौजूद रहे और अभी भी भारी संख्या में वहां पे लोग मौजूद हैं। बिल्कुल मनीष, यहाँ पर जब मीरांडा गए थे, मीरांडा आप देखा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें, गृह मंत्री की बात करें, रक्षा मंत्री बात करें, वहां जा रहे थे बड़े बड़े नेता, उनके वहां पर स्वस्थ होने की कामना कर उनको देखने जा रहे थे, हालचाल ले रहे थे। उसके बाद जब उनका निधन हुआ, उसके निधन होने के बाद भी आपने देखा कि वहां पर कितने लोग, वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए, अमित शाह गए थे, गृह मंत्री देश के, और इसके अलावा रक्षा मंत्री देश के वहां पर राजनाथ सिंह जी गए थे। इसके अलावा जब उनका जो पार्थिव शरीर है वो मीरांडा से सैफई के प्रस्थान के तो लगभग लगभग मनीष 2500 गाड़ियों का काफिला उसके साथ था। तो ये बताता है कितने बड़े कद के नेता थे और निश्चित से कितनी उनकी लोग उनके प्रशंसक थे। यहाँ पर जिस तरह से हुजूम आपने देखा है कि लाखों की भीड़ यहाँ पर थी, ये बताती है कि मुलायम सिंह यादव एक ऐसा नेता थे जिनकी छवि जनवादी नेता के रूप में थी, जनता के नेता के रूप में थी, और यही छवि के चलते लोग यहाँ पर इतना बड़ा जो जन सैलाब आपको देखने को मिला। गौरव, नेताजी इतने ही इतने प्रेमी और सरल स्वभाव के व्यक्ति थे कि चाहे सत्ता पक्ष में रहते हुए और विपक्ष में रहते हुए नेताजी के प्रति किसी ने भी कभी भी अपशब्द का प्रयोग नहीं किया, उनको हमेशा सम्मान की दृष्टि से देखा गया। और आज चाहे देश के प्रधानमंत्री हों, चाहे किसी राज्यों के मुख्यमंत्री हों, सब ने उनसे अपनी श्रद्धांजलि उनको अर्पित की। खुद आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वहाँ मौजूद थे और आपके अभिषेक बच्चन भी वहाँ मौजूद थे, आजम खां, अब्दुल्ला, मतलब राजनीतिक गलियारे के जितने वरिष्ठ नेता रहे थे वो सब वो उनके मौजूद रहे। जो नहीं भी आ पाए उन्होंने अपनी श्रद्धांजलि वहाँ पे प्रस्तुत की, और उनका ही प्रेमी स्वभाव था कि उनको लोग इतना मानते थे, और कहीं ना कहीं उनके राजनीतिक गलियारों में उनकी कमियाँ उनको खलेंगी जरूर। निश्चित रूप से मनीष जी सही कह रहे हैं, बिल्कुल बताता है कि किस तरह के नेता थे और उसकी जनता पर लाखों का हुजूम रहा है। और निश्चित रूप से यहाँ पर बड़े बड़े राजनीतिक हस्ती आए, यहाँ पर आए थे बड़े बड़े लोग, आए थे बाबा रामदेव भी आए थे यहाँ पर, और निश्चित रूप से उनका कद बेहतर था और निश्चित कद के चलते जनता के नेता थे। कभी सत्ता पक्ष को उन्होंने निशाना नहीं छोड़ा, कभी विपक्ष का, अगर विपक्ष में सत्ता में रहे तो कभी विपक्ष में उन्होंने कभी चिटकटाहट नहीं किए। और ये बात स्पष्ट करती है कि वो नेता किस तरह थे, उनका उनका क्या स्वभाव था और कितना बड़ा कद था। गौरव, नेताजी का इतना सरल स्वभाव था, जब उनसे कोई मिलने जाता था तो वो उसकी पीठ ठोक कर उसको आशीर्वाद देते थे। ये इतना सरल स्वभाव था उनका, जब वो मुख्यमंत्री भी थे प्रदेश के तब भी वो इसी तरह से लोगों से मिलते थे, और यही उनका सरल स्वभाव कहीं ना कहीं लोगों के दिल में अपनी जगह बना लेता था और लोग उनको इतनी सम्मान की दृष्टि से देखते थे। हमेशा कभी सत्ता पक्ष में रहते हुए कभी किसी कटाक्ष नहीं करते थे, विपक्ष में रहते कभी आरोप प्रत्यारोप, और जो लोकतक की गरिमा है उसको बनाए रखना उनकी शैली में था। और निश्चित रूप से इस शैली के चलते यादव का जो नाम है वो अमर हो गया, और जो इतिहास उन्होंने बनाया है भारतीय राजनीति में 55 साल का करियर उनका रहा है, तो निश्चित रूप से इतिहास कोई भूल नहीं सकता, और नेताजी का जो नाम है वो हमेशा अमर बना रहेगा, जैसा कि यहाँ पर नारे भी लगाए जा रहे थे। गौरव, आपको बताएं कि अपनी मिट्टी से नेताजी को कितना लगाव था, जब भी कोई कार्यकर्ता या सफाई या मैनपुरी या इटावा का कोई भी याचक उनके पास जाता था आपके 5 कायदा स्मारक पे उनसे मिलने के लिए, आज से आपको मैं 8 से 10 साल पहले की बात बता रहा हूं, तो अगर वो एक बार भी नाम ले लेता था कि मैं इस जगह से हूँ, मैं सफाई से हूँ या मैं मैनपुरी से हूँ, तो कहीं ना कहीं उनके दिल में अपनी मिट्टी के लिए प्रेम वो झलकता था कि वो हमारे क्षेत्र से, हमारे गृह जनपद से है, तो उसको अलग से वो बहुत ही प्रेम के साथ उसे मिलते थे और उनकी समस्याओं को सुनते थे। वैसे तो पूरे प्रदेश का ध्यान देते थे, लेकिन वहां से मिट्टी का जो लगाव था आज वो देखने को मिलता है उनका, और आज वो सफाई से जहां से उन्होंने शुरुआत की थी
आज उस सफाई में उन्होंने अपनी उस शुरुआत का अंत भी किया है और पंचतत्व में विलीन हुए हैं। हेलो, आपने सत्य कहा कि प्रत्येक कार्यकर्ता को उनके नाम से जानते थे, अगर हवाई सर्वे करते थे गांव दिखता था कौन सा गांव है, तो ये उनकी शैली थी और इसी राजनीतिक शैली के चलते 55 साल का राजनीतिक करियर उनका रहा है। आप विधायक रहे, आप सांसद रहे, तीन बार मुख्यमंत्री रहे और एक बार रक्षा मंत्री रहे, तो मुलायम सिंह यादव वो नाम रहे जिनका एक अपने नाम से ही जाने जाते थे और इसीलिए उनके लिए धरती पुत्र मुलायम और मन से मुलायम राजे लोहा जैसी उनकी बात है उनके लिए कही जाते, तो निश्चित रूप से उनका वक्त था उसी करके चलते यहाँ पर हजारों लाखों लोगों का हुजूम था और आज वो पंचतंत्र में विलीन हो गए हैं। गौरव, जब भी नेताजी सैफई पहुंचते थे, अपने गृह जनपद पहुंचते थे, तो वहां पर खाली उनकी जानकारी मात्र से कि नेताजी वहां आने वाले हैं, आसपास के गांव की भीड़ लग जाती थी, वहां पे एक मंडली जमा हो जाती थी जो अपनी समस्याएं लेकर उनसे दर्शन करने के लिए, उनके विचारों को सुनने के लिए, और नेताजी खुद भी सबसे कुशल से पूछते थे, तो ये वो नेताजी थे, इसी कारण से वो दिलों में राज करते थे और इसी कारण से आज वहाँ पे इतने बड़ा हुजूम इकट्ठा है जो नेताजी को अपने आंसुओं से सच्ची श्रद्धांजलि दे रहा है। बिल्कुल मनीष, जो उनका जो कट था उसी चलते सब श्रद्धांजलि दे रहे हैं और यहाँ पर सभी कार्यकर्ताओं को जानना, उनकी बात सुनना, उनकी बात समस्याओं को हल करना, ये उनकी इनकी राजनीतिक शैली में शामिल था और इसी चलते वो जनप्रिय नेता के रूप में हमेशा जाने जाते हैं और हमेशा जाने जाते रहेंगे, क्योंकि उन्होंने जो इतिहास बनाया मनीष वो कोई नहीं बना सकता। निश्चित रूप से यहाँ पर पूरी तरह श्रद्धांजलि दी है, चाहे बड़े सत्य सत्य की बात करें, कार्यकर्ताओं की बात करें, पदाधिकारी की बात करें, सभी लोग यहाँ पर आए, तो अभी नेताजी को उन्होंने श्रद्धांजलि दी है। जी मनीष, ठीक है। गौरव, इस समय वहाँ की क्या स्थिति है? मनी वहाँ पर स्थिति है, मुखाग्नि का कार्यक्रम वहाँ हो चुका है और अभी सब लोग अपने अपने घंटे स्थल पर जा रहे हैं और वहाँ पे अखिलेश जा रहा हूँ, फिर दो चार करीबी लोग हैं, लगभग 10 से 12 से संख्या में करीबी लोग होंगे, इसके अलावा जो सपोर्टी है वो भी वहाँ पर मौजूद है, बाकी सभी लोग वहाँ से घंटा स्थल के लिए निकल रहे, क्योंकि बहुत भीड़ थी और यहाँ पर लगाने। जी हाँ, देखने में आ रहा है कि अखिलेश यादव सबको विदाई हाथ जोड़ के कर रहे हैं कि इसमें वहाँ पे उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और नेता जी के प्रति इतना सम्मान दिया। ये एक बहुत बड़ी क्षति राजनीतिक गलियारियों के लिए, प्रदेश के लिए बहुत बड़ी क्षति है ये। जी गौरव, जी मनीष, बहुत बड़ी क्षति है उत्तर प्रदेश के लिए भी, देश के लिए भी क्षति है और सबसे क्षति हमारी पार्टी के लिए है, क्योंकि वो हमेशा से उसको सुरक्षा के रूप में देते आए हैं और उनका हाथ था वो अब तक चला आ रहा था, जिसके चलते कभी कोई समस्या नहीं रही, तो अच्छे नेताओं में उनकी हमेशा गिनती रही है और निश्चित रूप से यहाँ पर बड़ी क्षति हमारी पार्टी को, देश को भी हुई है और लोकतंत्र को लेकर भी बड़ी क्षति यहाँ पर हुई है। जी मनीष जी गौरव, तो आपने जैसा कि देखा नेताजी का राजनीतिक सफर, 5 दशक का राजनीतिक सफर, आज पंचतत्व में विलीन हो गए नेताजी और अपने उन यादों के साथ लोगों के दिलों में रहेंगे।
करते हो जो
पांडे जुड़ चुके हैं। विवेक जी, समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव आज पंचतत्व में विलीन हो चुके हैं। एक समाजवाद का मजबूत आधार स्तंभ हमारे साथ नहीं है, क्या कहेंगे आप इस पे? आपने पूरे श्रद्धांजलि को देखा होगा, अंतिम यात्रा को आज देखा होगा। विवेक जी, आज नेताजी के जाने के बाद मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि समाजवादी पार्टी, समाजवाद के विचारधारा के प्रणेता और समाजवाद को लोगों तक, जन जन तक, गांव तक पहुंचाने वाले हमारे आदरणीय नेताजी पंच तत्व में विलीन हुए हैं। लेकिन उनकी सोच, उनके मार्गदर्शन और वो सदैव हम लोगों के अंदर एक नीतियों के रूप में हमेशा जिंदा रहेंगे, जीवित रहेंगे। हम सिर्फ इतना कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी के लिए एक कठिन समय है, संघर्षपूर्ण समय है परिवार के लिए। अब पूरे परिवार को साथ लेकर चलने की जो एक सबसे प्रबल चुनौती है, उसको जिम्मेदारी के साथ हमारे आदरणीय अखिलेश यादव जी निभाएंगे। पूरा परिवार साथ है और बहुत दुखद घड़ी है। देखिए, पूरा राष्ट्र उमड़ के देख रहा है, पूरे राष्ट्र, विपक्ष के नेता सभी इस दुख की घड़ी में शामिल हुए हैं, जो कि एक राजनीतिक शिष्टाचार का भी प्रतीक है। मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को बहुत ही धन्यवाद दूंगा हृदय तल से कि 3 दिन का उन्होंने राजकीय अवकाश भी घोषित किया है। द्वेषपूर्ण भाव को न ध्यान में रखते हुए उन्होंने एक राजधर्म का जो सम्मान किया है, वो समाजवादी पार्टी के लिए भी एक गौरव की बात है। विवेक जी, प्रदेश की राजनीति में मुलायम सिंह जी का कद बहुत बड़ा था और सत्ता पक्ष और विपक्ष सभी के वरिष्ठ नेता जो थे वो उनको बड़े सम्मान की दृष्टि से देखते थे, उनसे अपनी सलाह मशवरा भी लेते थे। और आज सपा समाजवाद का एक बड़ा सितारा आज अस्त हुआ है, तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के लिए भी एक बहुत बड़ी क्षति है ये। उनके दिशा निर्देशन में जो समाजवादी पार्टी का उत्थान हो रहा था, उसमें भी बहुत सी चुनौतियाँ अब आने वाली हैं। अब अखिलेश यादव को मैं देख पा रहा हूँ कि वो अपने आए हुए कार्यकर्ताओं से और मुलायम सिंह के प्रति जिन्होंने प्रेम जो आज दिखाया है, उन सबका धन्यवाद देते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, नेताजी बहुत जमीनी स्तर के नेता थे, उन्होंने कभी भी भेदभाव या किसी भी तरह का द्वेष कभी किसी के प्रति ऐसा रहा हो, ऐसा कोई प्रकरण मेरे ध्यान में नहीं आता है। उत्तर प्रदेश की राजनीति के साथ बुद्धिजीवियों, चमकते सितारों की हस्तियों, और सबसे बड़ी बात आपको याद होगा, आज अमिताभ बच्चन जी, आज काफी लोग नाराज भी हैं उनसे, उनका जन्मदिन है, लेकिन सबसे बड़ी बात है आज दुखद दिन है हमारे लिए, समाजवादी पार्टी के अग्रज नेताजी, जिन्होंने उनको इतना सम्मान दिया। ऐसे लोग भी हैं समाज में जो कि नेताजी के किए हुए एहसानों का बदला न चुका पाए, अंतिम समय में नेताजी का दर्शन करने या उनको, उनके जाने पे दुख, शोक व्यक्त न कर पाए, तो ये भी एक अपने आप में परिपाटी है। देखिए, समाज में हर तरह के लोग होते हैं, लेकिन नेताजी ने हमें जो सिखाया है वो यही है कि गरीब, पीड़ित, शोषण, पिछड़े लोगों का हमेशा ध्यान रखते हुए उनकी आवाज को बुलंद करना। आपको याद होगा यूपी पीसीएस में जब अंग्रेजी माध्यम का बोलबाला हुआ करता, तो नेताजी प्रथम पंक्ति में आकर के वो आवाज उन्होंने बुलंद की, जिसमें कि हिंदी मीडियम से पढ़े बच्चों को भी आज डीएम बनने का मौका मिल रहा है जिस नियम को बदलने के कारण। तो ऐसे कई कार्य जो कि सीधे सीधे आम जनमानस के साथ एक निचले तबके के बच्चे को भी प्रभावित करते हैं, विद्यार्थी को प्रभावित करते हैं, रोजगार के मामले में, चाहे विकास के मामले में, उद्योग के मामले में। आज अंबानी ग्रुप, मुझे लगता है कि अंबानी परिवार से शायद कोई नहीं आया, मैं आपको नहीं, अनिल अंबानी आए थे, अनिल अंबानी आए थे वहाँ पे। अच्छा अच्छा, मेरे को क्या अभी तक मेरी जानकारी में नहीं था, तो अनिल अंबानी जी आए थे, क्योंकि अनिल अंबानी आए थे, अभिषेक बच्चन आए थे, जया बच्चन वहाँ पर आई थी। जी जी, तो क्या आपको याद होगा कि इस तरीके से काफी इन लोगों को उद्योग जमीन से उठा करके समाजवाद को उद्योग से जोड़ करके उत्तर प्रदेश के विकास को प्रशस्त करने में नेताजी ने हमेशा अग्रज योगदान दिया है। तो ये बहुत ही मैं कहूंगा कि आज हमारे लिए तो बहुत ही दुखद समय है, और इस दुख से उभरने में अब कितना समय लगता है। देखिए, समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, और सबसे बड़ी बात है परिवार को, अखिलेश जी के कंधों पर कितनी मजबूत जिम्मेदारियां हैं, पार्टी भी देख के चलनी है, समाज में पार्टी को मजबूत भी रखना है, पदाधिकारियों का भी ध्यान रखना है, कार्यकर्ताओं का, और सबसे बड़ी बात है इस दुख की घड़ी में परिवार को जोड़े रखना है। तो यह एक बेटे के साथ एक राजधर्म को निभाना अखिलेश जी के लिए सबसे बड़ा ये चुनौतीपूर्ण समय है। तो मैं तो यही निवेदन करूंगा कि सभी लोग एक साथ अखिलेश जी का साथ दें और अखिलेश जी के कंधे से कंधा मिला करके खड़े रहें। जी विवेक जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।
तो आज समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव हमारे बीच नहीं हैं, मेला ग्राउंड में उनको मुखाग्नि दी गई और बड़ी संख्या में जन सैलाब उनके इस अंतिम विदाई का साक्षी बना। जिसका जलवा कायम है उसका नाम मुलायम है, जब तक सूरज चांद रहेगा नेताजी का नाम रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव आज हमारे बीच नहीं हैं। फिलहाल इस भावभीनी श्रद्धांजलि की तरफ से, प्राइम टीवी की तरफ से उनको भावभीनी श्रद्धांजलि देते हैं। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।